والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى في شأن عظمة حبيبه ونبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحنين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरा कायद है वो ज़िंदगी पैगाम था जिसका, मेरा कायद है वो ज़िंदगी पैगाम था जिसका, सदाकत ज़ात थी जिसकी अमानत नाम था जिसका, सदाकत ज़ात थी जिसकी अमानत नाम था जिसका, वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता की, वो रफ्ता रफ्ता जिसने कौम को मंजिल अता की, कली आगाज था जिसका चमन अंजाम था जिसका, कली आगाज थी जिसकी कमन चमन अंजाम था जिसका। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम, हाजरीन महतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रब्बुल आलमीन का बेपनाह करम है, एहसान अजीम है कि परवरदिगार ने आज हम सबको अपने प्यारे हबीब साहिब औलाद सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके से और इस महीने के खास मौके पर जमा होने का मौका इनायत फरमाया है। हाज़रीन मोहतरम, आप मुझसे बेशतर उलमा के खिताबात सुने हैं और मेरे बाद भी सदारती खिताब आपको सुनना है। ज़्यादा वक्त आपके दरमियान घायल हुए बगैर दो चार बातें छोटी छोटी आपकी खिदमत में रख दूँ। मेरे नाम लेने से पहले बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पे रखी गई है कि वक्त के नाजुक हालात के अतबार से हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ हमको सीखना चाहिए। कि एक बहुत बड़ा वसी मौजू है और बहुत बड़ा अनवान है, इतने बड़े अनवान पर और इतने बड़े वसी पर मुझ जैसे कम इल्म और कम आमद तालिब इल्म बोलना एक अजीब मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन जब जिम्मेदारी दी गई थी तो है तो इंशाल्लाह दो तीन बातें अर्ज कर दूँ। कुरान पाक की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस आयत में अल्लाह ने उन लोगों का तस्करा फरमा रहा है जो दुनिया के अंदर कामयाब है। कामयाब कौन है? आप जिसको कामयाब बोलते वो कामयाब होना ज़रूरी नहीं है, मैं जिसे कामयाब बोलूँ वो कामयाब होना ज़रूरी नहीं है, और दुनिया सारी मिल के जिसको कामयाब कह दे, अगर अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में वो नाकाम है तो नाकाम है। सारी कायनात मिल के किसी को नाकाम कह रही है, कायनात का हर ज़र्रा किसी को नाकाम कह रहा है, लेकिन परवरदिगार आलम और सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अगर कामयाब कहते तो वही कामयाब है। तो अब कामयाब कौन है वो मैं नहीं अर्ज करूंगा, कामयाब कौन है वो रब अर्ज फरमा रहा है।
रब का फरमान है, कुरान कह रहा है कामयाब कौन है। तो इस आयत में चार बातें बयान किए जा रहे हैं, तो वो चार बातों पर जो अमल किया वो कामयाब है, चार बातों पर जो अमल कर रहा है, अपनी जिंदगी में ला रहा है वो कामयाब है। तो फरमाया फल्लदीना आमनू भी وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون। फरमाया जो शख्स ईमान लाया, ये पहला अमल है, पहले अमल ईमान के एतबार से। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है, हमारे वालिदैन कलमा पढ़ने वाले थे, हमको कलमा सिखाए हैं, इस वजह से हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। इस एतबार से एक चीज़ तो हमारे पास मौजूद है, वो ईमान की दौलत है। अज़ीज़ाने गिरामी, आपको अर्ज करता चलूँ, हम नमाज पढ़ने के लिए हम पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं, तो इधर पैदा हुए तो पहले हमारे कान में आज़ादी जाती है। हमारा बच्चा कुरान पढ़ना शुरू करता है तो हम घर पे दावत करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खुशी करते हैं और लोगों को जमा करते हैं कि आज हमारा बच्चा अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, खुशी करते हैं। और इसी तरीके से जब कुरान ख़त्म होता है, बेहतरीन दावत होती है, लोगों को बुलाते हैं कि आज हमारा बच्चा नादरा कुरान ख़त्म किया या हाफिज़ बन गया, हम खुश रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारी पैदाइश पर हमारे कान में अज़ा हो रही है, लेकिन हमको उस अज़ा के सुनाने में, बच्चे के कान में अज़ा देने में दुनिया की कोई ताकत कभी हमारे पास रुकावट नहीं बनी। हमारे पास बिस्मिल्लाह पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ाया जा रहा है, कुरान ख़त्म होने पर कुरान की खुशी मनाई जा रही है, इत्मीनान से हो रही है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, जिस नबी मुख्तरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर हम जमा हुए हैं, नबी जो दीन लेकर आए हैं, मैं उस वक्त की बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। दो छोटे छोटे वाक़े आप बयान करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये वो वक्त की बात आपको बयान कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स अल्लाह का कलमा पढ़ना चाहता, अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहना चाहता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना चाहता, तो उसके पास मौका नहीं था। कलमा पढ़ रहा है तो उसको लोग खानदान से छोड़ देते थे, ईमान लाता तो महल्ले से निकाल देते थे, रसूल पाक का दामन पकड़ता तो शहर से निकाल देते, बाइकाट कर देते। यहां तक कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दीन की दावत दुनिया में आम कर रहे हैं, दीन को दुनिया में फैला रहे हैं और लोगों तक अल्लाह की दावत को दे रहे हैं, मामला यह हुआ कि जो जो कलमा पढ़ता उसको अपने खानदान से अलग कर दिया जाता, महल्ले से निकाल दिया जाता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके मानने वालों को एक जगह सोशल बाइकॉट कर एक छोटे से इलाके में बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके साथ जो खाना पानी था वो खत्म हुआ और जहाँ से खाना पानी आने का मौका था वो भी बंद कर दिया गया। यहाँ तक के जो लोग बाहर से सफर से आते उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर मिलने दिए जाए तो कहीं खाना पीना उन तक ना पहुंच जाए। वो लोग ये समझते थे कि जो रसूल पाक के साथ मौजूद है, वो जो ईमान लाए हुए हैं और रसूल रहमत जो दावत दे रहे हैं, अगर उन पर खाना पानी बंद कर दिया जाए, दुनिया की मुसीबतें उन पर डाल दिया जाए, तो ये दीन का काम रुक जाएगा। ये तकलीफ देख करके जो लोग कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, वो कलमा पढ़ना छोड़ देंगे। रिवायात में आता है यहाँ तक के वो लोग पत्ते खा रहे थे और जब इजाबत करते थे उनको मोशन आता था तो जैसे बकरी मेघनी कर रही है वैसा इजाबत आती थी, वो लोग उस तरीके का मोशन करते थे। ऐसे तकलीफा देकर दुनिया वाले समझते थे कि ये लोगों को तकलीफ दो ये ईमान छोड़ देंगे, कलमा नहीं पढ़ेंगे, रसूल रहमत के दामन में नहीं आएंगे। लेकिन उसके बावजूद लोग जोग दर जोग ईमान वाले होते गए और जब सोशल बाइकॉट खत्म हुआ उस वक्त तक तकरीबन 78 लोग ईमान से मुशर्रफ हो चुके थे। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, उस वक्त कोई कलीमा पढ़ता या किसी को दावत देता उसके साथ ये हशर होता था, लेकिन आज हमारे घर में बच्चा पैदा हो रहा है
तो उसके कान में हम बवांगे दोहल अदा दे रहे हैं। अल्लाह का करम है, अजा बच्चे के कान में देने से कोई नहीं रोक रहा है, बच्चे को कुरान पढ़ाने से कोई रोक रहा है, दीन पे अमल करने से कोई नहीं रोक रहा है, दीन सिखाने से कोई रोक नहीं रहा है, हमारे घर में हमारी बच्ची को कुरान पढ़ाने से कोई रोक नहीं रहा है, बुरका पहनने से कोई रोक नहीं रहा है। और उस वक्त का मामला ये था, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ईमान ले आए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ईमान ले आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मारूजा रखे, या रसूल अल्लाह हमारा ईमान हक है, हमारा कलीमा हक है, आप इजाजत दीजिए मैं काबतुल्लाह के पास जाके लोगों के सामने ऐलान करूंगा, मैं काबतुल्लाह के पास जाके दीन की दावत दूंगा। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को रुकाया, फरमाया अबू बकर थोड़ा रुक जाओ, अभी वक्त नहीं आया, हालात खराब है, तुम दीन का काम बाहर निकल के करोगे तो शायद लोग तुमको मारेंगे, जुल्म करेंगे। हजरत अबू बकर को हुजूर ने रुकाया, फिर दूसरी मर्तबा फिर हजरत अबू बकर आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए मैं दीन की दावत देना चाहता हूँ, आका ने फिर उन्हें रुकाया। तीसरी बार फिर सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूँ कि अलल ऐलान दीन की दावत दूँ, लोगों के सामने दीन पेश करूँ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए और फरमाया कि इसके दिल के अंदर ईमान की मोहब्बत बैठ चुकी है, जागुजीर हो गई है, अब कितनी ही तकलीफें क्यों ना आए ये ईमान छोड़ने वाले नहीं, लिहाजा इजाजत दे दिया, अबू बकर जाओ तुम्हें इजाजत है जाओ ऐलान करो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु काबतुल्लाह के पास आते हैं, उसकी दीवार के पास ठहर कर ऐलान करते हैं, लोगों ईमान ला लो, अल्लाह की बात मान लो, ये 360 खुदाओं को छोड़ो, कलीमा पढ़ लो। जैसे ही वो दीन की दावत दिए, सारे सरदारान कुरैश कुफारान कुरैश आप पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, रिवायात में आता है इतना मारे कि आपका चेहरा सूज गया, हजरत अबू बकर का चेहरा पहचाने नहीं जाता, यहाँ तक कि आप बेहोश हो गए। कुछ लोग आके रुकाए, कहने लगे उनके कबीले वाले आएंगे तो जुल्म होगा, लिहाजा छोड़ दो। बहरहाल उनको उस हालत में उनकी वालदा के घर पे लाया गया, बेहोशी के आलम में है, अजीदा ने गिरामी लोग परेशान है, आपके चेहरे पे सूजन है और घर में लेटे हुए हैं, पास में उनकी वालदा बैठी हुई है और रिश्तेदार बैठे हुए हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश लेटे हुए, कुछ देर गुजरी, थोड़ा सा इफाका हुआ, होश में आए, तो जब होश में आया तो वालदा से पूछने लगे कि अम्मा जान मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, उनसे का क्या हाल हुआ। आप अंदाज़ा फरमाइए, मैं आपको अर्ज ये करना चाहता हूँ कि उस वक्त कोई कलीमा पढ़ लेता उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट जाते, आका का नाम लेता जुल्म के पहाड़ टूट जाते, लेकिन मालिक का करम है, आपको ऐसे दौर में पैदा किया, ऐसे माहौल में पैदा किया कि इस्लाम के लिए आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतों को हमारे बड़ों ने झेल लिया, अपने सरों पे, अपनी जानों पर, अपनी नस्लों पर, अपनी औलादों पर, अपने माल पर, हर एक पर ले लिया, और आज उम्मत से कहा जान की बात थी हमने अपने सर पे लिया, माल की बात थी हमने अपने सर पे लिया, और कुर्बानियों की बात थी हमने अपने औलादों पे लिया। आने वाली उम्मत मुहम्मदिया, अब तुम्हारा काम सिर्फ अमल करना है, अब ना तुमसे जान मांगी जा रही है ना माल मांगा जा रहा है, तुम्हें सिर्फ अमल करके बतलाना है, सिर्फ नमली मैदान में नमूना पेश करना है कि हम गुलामान मुस्तफ़ा है, हमारा अमल गुलामान मुस्तफ़ा का। अज़ीज़ाने गिरामी याद रखिए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे अमल करना हमारे लिए बड़ा आसान बना दिया सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, औलिया ने, अज़ीज़ाने गिरामी ये सिलसिला सिर्फ सहाबा तक नहीं, औलिया तक भी आप देखिए, बड़े बड़े औलिया को देखेंगे, अइमा और मुहद्दिसीन को देखेंगे जो कई कई साल जेलों में गुजारे, उनके जिस्मों पे कोड़े मारे गए, उनके हाथों को काट दिया गया, जब जब दीन का नाम लेते या उसके लिए आगे बढ़ते तो उनके ऊपर बड़े बड़े मजालिम ठाए गए। मैं अपने आप से पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं घर के अंदर दीन पे अमल करना चाहूँ, बदलता नमाज पढ़ना
मारना चाहूं, या बीवी से नमाज पढ़वाना चाहूं, या बच्चों से नमाज पढ़वाना चाहूं, या उनको पर्दे पे अमल करवाना चाहूं, या शरीयत पे अमल करवाना चाहूं, तो दुनिया नहीं है आपको रोकने के लिए, कोई आपके सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ हमारे अपने नफ्स ने, हमारे किरदार ने, हमारी दुनिया की ख्वाहिशात ने, हमारे तौर तरीके ने, हम जो तरीके को दुनिया के लिए समझा है वो हमको इस चीजों से रोक रहा है। तो खुदा के लिए अपने आप पे तब्दीली लाए, क्योंकि ये जो मिलाद का महीना है, हुजूर की आमद का महीना है, ये हुजूर की आमद क्यों हुई है? फरमाया ये इंकलाब के लिए हुई है, रिवॉल्यूशन के लिए हुई है, तब्दीली के लिए हुई है, चेंज के लिए है। क्योंकि दुनिया तो हजारों साल से कायम थी, हजरत आदम के दौर से दुनिया है, हजरत नूह है, हर 1,24,000 अंबिया थे, दुनिया का कियाम है, दुनिया चल रही थी, लेकिन जैसी चल रही थी वैसी खुदा को मंजूर नहीं थी। तो खुदा ने फरमाया अब दुनिया मेरी मर्जी की चलनी है, तो मैं अपने महबूब को भिजाऊं ताकि दुनिया में चेंज आए, तब्दीली आए, इंकलाब आए। अजीजा ने गिरामी, हमारे रसूल रसूल इंकलाब है, उनकी उम्मत उम्मत इंकलाब है। तो रसूल इंकलाब ने उस दौर में इंकलाब लाया, आज उम्मत इंकलाब का काम है कि इस दौर में इंकलाब ला दे। उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अपने आप में वो कैफियत लाए, वो मिजाज लाए, वो तब्दीली लाए, वो ताल्लुक रसूल पाक से पैदा करे, वो ताल्लुक रूहानी अपने रब से पैदा करे और दुनिया में तब्दीली लाके जब जाके चैन ले, जब जाके इत्मीनान की सांस ले। अजीजाने गिरामी, बात दरअसल ये है कि हमने अपने आप को पहचाना नहीं है, हमने अपने आप को जाना नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं इस नवाब साहब कुंटे के चौरस्ते पे, इस इलाके में हम बैठे हैं, आप समझ रहे हैं कि इस इलाके की हद तक हमारा मामला है? नहीं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, ये सब बैठे हैं, इनके अंदर एक खास एक डिवाइस, एक चीज बैठी हुई है कल्ब के अंदर, उसका नाम या उसका लफ्ज इस्तेमाल कर लूं तो वह है कलीमे तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं नवाब साहब कुंटे के इस ताल्लुक इस कोने में बैठा हुआ हूँ, लेकिन जब मेरे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो यहाँ से डायरेक्ट मेरा कनेक्शन गुंबदे खजरा से है, वहां से मेरा ताल्लुक डायरेक्ट अर्श आदम से है। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मेरा ताल्लुक अर्श आदम से है, वहां बैठने वाली जात से है, वो जो कहता है वो फैसला होता है, हमारा काम है उसकी बारगाह में मारूदा रखे और कायनात में वो चीज को इंप्लीमेंट कर दे। आज जरूरत इस बात की है कि आप अपने मकाम को समझें, मैं अपने मकाम को समझूं। जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने बच्चों को उनका मकाम समझाएं, उनका मर्तबा समझाएं। हम अपने आप को एक मामूली इंसान, हम अपने आप को एक दुनिया वाला इंसान, हम अपने आप को एक जमीन पर चलने वाला इंसान समझे हुए हैं। इसी वजह से हम ये नहीं सोचते कि मेरा ये काम है यहाँ ठहरे ठहरे, अगर मैं गुटखा खा के ठहरा हुआ हूँ या ठहरे ठहरे अपनी जबान से कोई लफ्ज निकाल रहा हूँ, ठहरे ठहरे किसी को तकलीफ दे रहा हूँ, तो हमको पता ही नहीं है कि यहाँ ठहरे हुए आप हैं, लेकिन आपका ताल्लुक उधर से है। जब इसका एहसास हो जाएगा, जब इसका ख्याल आ जाएगा कि अरे मैं यहाँ ठहरा हुआ जरूर हूँ, लेकिन मेरे दिल में जो कलमा है उस वजह से आसमान वाली जात मुझे देख रही है, चाहे मैं यहाँ ठहरूं वो मुझे देख रहा है, चाहे मैं अपने घर में बेड पे हूँ वो मुझे देख रहा है, चाहे मैं मस्जिद में हूँ वो मुझे देख रहा है, चाहे मैं कारोबार में गल्ले पे बैठा हुआ हूँ वो मुझे देख रहा है, चाहे मैं कहीं भी हूँ रब से मेरा ताल्लुक है। तो मेरा जब ताल्लुक होगा तो रब्बुल आलमीन हमारा जो मामला फरमाया है, हदीस पाक में आता है, जब बंदा रब से अपना ताल्लुक जोड़ लेता है, रब से अपने आप को जोड़ लेता है, रब के जब करीब हो जाता है तो उसको ज्यादा कुछ पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इरादा कर ले, सिर्फ नजर उठा के देख ले, अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेरा हो जाता है तो किसी मामले में कसम उठा ले तो अल्लाह वो पूरी कर देता है, खाली कसम उठा ले तो पूरी कर देता है। अजीजाने गिरामी, ये महीना इंकलाब का महीना है, इंकलाब का महीना। इंकलाब किसे कहते हैं? हमने बहुत मरतबा नारे मारे हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। इंकलाब का मतलब क्या है?
इंकलाब का मतलब तब्दीली है, इंकलाब का मतलब चेंज है, इंकलाब का मतलब रेवोल्यूशन है। अपने आप में चेंज, अपने घर में चेंज, अपने महल्ले में चेंज, अपने शहर में चेंज। अजीजा ने गिरामी, अगर मेरी उम्र 40 साल की है, अगर मेरी शऊर को मैं पहुंचने में 15 साल लगे हैं, तो बाकी 25 साल मेरी जिंदगी में मिलाद आया चला गया। अगर किसी की उम्र 50 साल की है, शऊरी हुआ है तक 15 साल निकाल दिया, तो 35 साल से मिलाद आ रहा है। इसी हिसाब से हर इंसान अपनी अपनी उम्र का हिसाब लगा ले, कितनी मर्तबा मिलाद उनके जिंदगी में आया है, मिलाद का मौका आया है, आका की आमद का मौका आया है। तो क्या सिर्फ जलसा सुन लेना ही मिलाद है, सिर्फ नारा मार लेना ही मिलाद है, या सिर्फ हुजूर की नाद सुन लेना ही मिलाद है? नहीं, मिलाद का मतलब यह है कि अपने दिल के अंदर आका की मोहब्बत को बिठाकर मेरा चलना भी रसूल पाक की तरह हो जाए, मेरा बैठना भी रसूल पाक की तरह हो जाए, मेरा सोना भी रसूल पाक की तरह हो जाए। अजीजाने गिरामी, हदीस पाक में आता है, अगर अल्लाह वाले को पहचानना है तो बोले अल्लाह वाला कौन है? तो फरमाया इदा रूकिरल्लाह, तुम जब उसे देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। तो बोले उम्मती कौन है? उम्मती को देखो तो तभी याद आ जाए, और अल्लाह वाले को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अजीजाने गिरामी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये बात गौर से सुन ले, आज दिल पे हाथ रख के कह दे, कोई ऐसा हम में शख्स है, मुझे देखकर क्या मेरा नबी याद आता है? मुझे देखकर क्या मेरा खुदा याद आता है? मेरे में कोई अमल ऐसा है जो देखकर कोई इंसान कह सकता है इसका ताल्लुक गुंबद-ए-खज़रा के मकीन से है? कोई मेरा अमल ऐसा है जिसे देखकर कोई कह सकता है इसका ताल्लुक अर्श-ए-आला वाले से है? नहीं, मेरे में कोई अमल ऐसा नहीं कि मुझे देख के कोई खुदा वाला कह सके या मुझे देख के कोई नबी वाला कह सके। अजीजाने गिरामी, हमारे अंदर आमाल वो होनी चाहिए जो तब्दीली वाले आमाल है, मिजाज तब्दीली वाला हो। अजीजाने गिरामी, जैसा कि मैंने अर्ज किया, आज इस्लाम पे चलना कोई बड़ा मसला नहीं है। किसी ने आपसे जान नहीं मांगा, किसी ने आपसे माल नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के सुबह से शाम तक पूरे 24 घंटे के अंदर अगर पनवख्ता नमाज जमात से पढ़ते हैं तो आप पूरा कैलकुलेशन कर लिया, एक घंटा निकलेगा, थोड़ा और वक्त लगा ले तो डेढ़ घंटा, 24 घंटे में डेढ़ घंटा अल्लाह की बारगाह में निकाल दो। कारोबार में सच बोल लो और माल पड़ोसी से अखलाक के साथ रह लो, बड़ों का थोड़ा अदब कर लो, छोटों पर थोड़ी शफक्कत कर लो, माँ बाप के साथ एहतराम से पेश आओ। आज के दौर के वली भी हो, जन्नत भी आपकी है, खुदा भी आपका है, रसूल भी आपका। सुभान अल्लाह, इसके अलावा आपसे कोई मुतालबा नहीं है। इससे अलावा आपको न जंग में जाने को कहा जा रहा है, न जान देने को कहा जा रहा है, न दुनिया में बड़े से बड़े मारे के कहे जा रहे हैं, कोई काम नहीं है। रब की बारगाह में आ जाओ। अजीजाने गिरामी, यकीनन इस्लाम बहुत आसान मजहब है, यकीनन बहुत सारी आसानियां शरीयत के अंदर है। रसूल वकार सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत आसानियां फरमा दिया। अजीजाने गिरामी, आपने आयत कई मरतबा सुना होगा, लव अनजलना हादल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। फरमाया कि यह कुरान अगर हम आस पहाड़ पे नाजिल करते, हमारा कुरान अगर हम पहाड़ पे नाजिल करते तो ये कुरान के जलालत से, इसके वजन से पहाड़ हल रोजा रेजा हो जाता, कांप जाता। लेकिन हमारा बच्चा बच्चा हाफिज हो रहा है, हमारे मस्जिद के अइम्मा हाफिज हो रहे हैं, हमारे महल्ले में सैकड़ों हाफिज हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं? पहाड़ जब चुकना चूर हो जाए, ये मासूम बच्चे हाफिज कैसे हो रहे हैं? तो उलमा लिखते हैं, मुफस्सरीन लिखते हैं, कुरान की वो अजमत जो पहाड़ पे नाजिल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। आकाए दो जहां सैयदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान की वो अजमत को, कुरान की वो जलालत को, कुरान की वो कैफियत को अपने कल्ब अथहर में लेकर, अपने कल्ब पे लेकर इतना नरम कर दिया कि उम्मत का हर बेटा हाफिज बन सकता है, उम्मती हाफिज बन सकता है। इसी तरीके से इस्लाम के लिए बड़े बड़े मुजाहिदे जो करनी थी आका ने कर दिया, सहाबा ने कर दिया, ताबईन ने कर दिया, औलिया ने कर दिया। ए उम्मत मुहम्मदिया, आज तो बड़े बड़े मुजाहिदे
जिम्मेदारियां वो बड़े बड़े मुजाहिदे ना मुझ पे है ना आप पे है, आज दिन हमारे लिए है तो चंद आसान चीजों पर है। अगर वो भी हम ना कर सके तो अपने आप को उम्मत मुहम्मदिया का फर्द कहलाने के हम लायक है, ना हम अपने आप को मुसलमान कह सकते न सरकार का गुलाम हो सकते। अजीजा ने गिरा अर्ज करना ये है कि फरमाया कि वो लोग कामयाब है जो ईमान वाले हैं। ईमान के बाद फरमाया वअज़्ज़रूहु वनसरूहु। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, हमारी क्या हैसियत है कि हम हुज़ूर की ताज़ीम करें। हुज़ूर की ताज़ीम में रब ने पूरा कुरान लिखा, सारी कायनात का बादशाह ने उनकी ताज़ीम बयान की, रब ने उनकी ताज़ीम बयान की, फरिश्तों ने किया, अम्बिया ने किया, बड़े बड़े औलिया ने किया। तो फरमाया हुजूर की ताज़ीम करना व नसरू और हुजूर की दीन की मदद करना। अब हुजूर के दीन की मदद का क्या मतलब है? तो फरमाया दीन की मदद का मतलब यही है कि अपनी जिंदगी को, अपने उठने बैठने को, अपने चलने फिरने को, अपनी जिंदगी के किरदार को आका की सुन्नतों के मुताबिक बना लो। चलते फिरते उठते बैठते आप जहाँ कहीं हो, आपका लिबास, आपका बोलना, आपका चलना, आपका कारोबार करना। फरमाया आप अंदाजा फरमाइए, शरीयत हम समझते हैं, मैं बहुत आसान बात कर रहा हूँ, वजीदा ने गिरा। जब कभी ये बात उलमा करते हैं, मैं कर रहा हूँ कि उम्मत सुन्नत पे अमल कर ले, दीनदार हो जाए, शरीयत पे अमल करे, हमारे दिमाग में ख्याल आता कि अब हमारे को भी शिमला बंद लेना पड़ेगा, दाढ़ी छोड़ लेना पड़ेगा, कुर्ता पैजामा टोपी पहन के मस्जिद 24 घंटे मस्जिद में बैठना पड़ेगा। नहीं, मेरी बात और से सुनने में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, और एक ये किया इसके बाद एक और बात करके मैं बात खत्म कर देने वाला हूँ। इस्लाम बहुत आसान मजहब है, इसके अंदर सिर्फ नीयत और इखलास और कुछ नहीं, दिल की कैफियत अल्लाह यही देखने वाला है। और इतना आसान कर दिया मालिक ने, इतना आसान कर दिया दीन को, इतना आसान कर दिया हमारे तसव्वुर से बाहर। चंद लोग हैं दीन के बारे में अक्सर अजाब 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 बोल के डरा देते, हम लोग डर जाते नहीं, दीन बहुत आसान है। इतना आसान है, अगर सुबह से शाम तक मैं आपको ये बतला दूं कि 24 घंटे आप इबादत में रह सकते, हम में का हर एक 24 घंटे बता रहा हूं मैं आपको, इबादत में रह सकते 24 घंटे अल्लाह वाले बन के रह सकते, ये आसान है। कैसे? फरमाया नमाज तो फजर की हमने पढ़ लिया, ये तो फर्ज है, इसका इनकार है नहीं, और पढ़ना है तो पढ़ना है, या तो नमाज से पहले या नमाज के बाद आप ब्रश कर रहे हैं। ये ब्रश करते वक्त आपका सिर्फ ये तसव्वुर हो जाए कि मेरे आका सफाई को पसंद करते हैं और मेरे आका मुंह साफ करने का हुक्म देते हैं, तो ये ब्रश इसलिए कर रहा हूं कि मेरे आका खुश हो जाए, तो आपका ब्रश करना इबादत है। लिख ले आप, आपका ब्रश करना इबादत है, जबकि आप ब्रश अपने मुंह की सफाई के लिए, अपने जम्स को दूर करने के लिए, अपनी सेहत के लिए, सामने वाले को अपने मुंह से बदबू नहीं आने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम का हुक्म है तनबफू फइन्नल इस्लाम नज़ीफुन, लोगों साफ सुथरे रहो, इस्लाम साफ सुथरा मजहब है। आप दांत मांजते वक्त सिर्फ ये ख्याल कर लिया कि मैं सफाई इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे महबूब आका सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह को सफाई पसंद थी, तो यकीनन आपका ब्रश करना भी इबादत हो गया। आप सुबह सुबह क्या करते हैं साहब? नींद में से उठे, खाना खा लिया, उसके बाद क्या करते हैं? हर एक रोजी रोटी की तलाश में निकल गए, कोई कारोबार करने जा रहा है, कोई नौकरी करने जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि नौकरी क्यों कर रहा है, कारोबार क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा कि बीवी का पेट भरे, बच्चों का पेट भरे, उसकी शादी के लिए पैसा जमा करे, उसकी तालीम के लिए जमा करे, घर का किराया देने के लिए करे। मेरी तमाम तर मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, क्योंकि मैं घर का बाप हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, घर का मर्द हूँ, भाई हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, ये पूरे जिम्मेदारियां मुझे करना है। आज तक मैं ये समझ रहा था कि नमाज पढ़ लिया, मस्जिद में इबादत कर ली, अब मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। अरे तू जो घर से कमाने जा रहा है ये तेरा काम नहीं है। मेरे आका ने फरमाया तलबू कसबुल हलाली फरीदा बादन फरीदा, फर्ज नमाज के बाद तेरे
मेरी नौकरी करना फर्ज है, तू हलाल कमाना फर्ज है, ये सोच के घर से निकल के मेरे आका का फरमान है, मेरे रब का फरमान है, यहाँ से दुकान को गए तक हर कदम पे नेकी, हर कदम पे अल्लाह का अजर का ताला खोल रहा है, तो इबादत शटर पे उठा रहा है, तो इबादत नौकरी कर रहा है, तो इबादत तनख्वाह ले रहा है, तो इबादत काम कर रहा है, तो इबादत, तो फरमाया सारा सुबह से लेते शाम तक जो काम कर रहा था तो इबादत ही इबादत कर रहा है। क्या रब है, क्या रब है, मैं कमा मेरी बीवी के लिए रहा हूं, मेरी औलाद के लिए रहा हूं, रब मुझे सवाब दे रहा है, तनख्वाह मेरे घर वालों के लिए दे रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे सवाब दे रहा है, कुर्बान जाए ऐसे इस्लाम के। आपको ये नहीं कह रहा है घर में बैठे रहो, कारोबार मत करो, हाँ ये जरूर कह रहा है तुम्हारा कपड़े का कारोबार है, कोई लेने के लिए आया है, कपड़े के थान में कहीं थोड़ा सा कटा हुआ है तो उसको अगर बता दे तो 5 रुपए की कीमत की जगह 4 रुपए आठाने कीमत आएगी, आने दो, थान खोल के बता दो थोड़ा सा फटा हुआ है इसलिए 5 रुपए की जगह में 4 रुपए में दे रहा हूँ, बस इतना ही करो। तो फरमाया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मा नबीयीन, बंदो तुम ऐसा कर लो जन्नत में मेरे साथ रहोगे। फरमाया आप अंदाजा करिए, कुर्बान जाइए इस्लाम के ऊपर, तिजारत हम कर रहे हैं, हमारा कपड़ा हम बेच रहे हैं, हमारे घर को हम पाल रहे हैं, आका फरमाते अमल तेरा, कमाना तेरा, बीवी तेरी, बच्चे तेरे, जिम्मेदारी तेरी, सिर्फ मेरे कॉल के मुताबिक कर ले, मेरे रब की मर्जी के मुताबिक कर ले, जन्नत की गारंटी है, सिर्फ जन्नत ही नहीं जन्नत में मेरी संगत भी मिलेगी, मेरे साथ जन्नत में रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे हाजरीन मोहतरम, जरूरत इस बात की है, तिजारत करो तो सच्ची, कारोबार करा तो करो तो सच्चा। आज हमारा मामला ये है, आप कितने हम में सब यहाँ बैठे हुए, हर एक का यही मामला है, अपने आप में हम अपने लोगों से अपने भाव से मुतमईन नहीं है, हम खुद कोई चीज़ खरीदने जाएंगे नहीं, फुला की गैर की दुकान पे जाएंगे चीज़ अच्छी मिल जाती, अपने भाई से लेंगे तो कहीं ना कहीं डंडी हो जाएगी, हर एक का बोलना ये क्यों, जबकि ईमान तिजारत सिखाने वाले आका, कारोबार सिखाने वाले आका। आपको अंदाज़ा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में फरमाया, लेकिन जब आप 25 साल के थे तो तिजारत फरमाया करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा का माल लेकर कभी मुल्के यमन को जा रहे हैं तो कभी मुल्के शाम को जा रहे हैं, और जितने लोग कारोबार करते थे आका जब कारोबार में आए, जब ताजर बन के निकले तो जितने ताजर थे सबसे ज्यादा मुनाफा आका के पास हुआ करता था, जबकि आका तिजारत में जो माल पे आयब है वो बता के बेचते थे, बोल के बेचते थे। फरमाया तुम बताओ 1 रुपया कम आएगा लेकिन जो 4 रुपए आएंगे वो ऐसी बरकत वाले होंगे, तुम्हारे दवाखाने पे खर्च नहीं होंगे, बीवी की बीमारी पे खर्च नहीं होंगे, माँ बाप की बीमारी पे खर्च नहीं होंगे, औलाद की बीमारी पे खर्च नहीं होंगे, तुम छुपा के बेचेंगे 5 की जगह 20 आएंगे लेकिन दवाखाने में उड़ जाएंगे, तुम्हारी बीमारियों में उड़ जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, उस पैसे में बरकत नहीं रहेगी। तो बहरहाल अजीज़ आने गिरामी मैं अर्ज ये कर रहा था, इस्लाम बड़ा आसान मजहब है, हमको ईमान वाला सच्चा रसूल का नबी बनने के लिए डरने की जरूरत नहीं। मैं पूरी जिंदगी को बदल कर लंबा कुर्ता पैजामा पहन लूं, बड़ा सर पे अमामा बांध लूं, दाढ़ी बांध लूं, हाँ यकीनन जब मैं दीन पे अमल करने लग जाऊं आगे बढ़ते बढ़ते आपका दिल खुद कहेगा अरे तू नमाजी भी बन गया, सच्चा ताजर भी बन गया, सच्चा ईमान वाला भी बन गया, जबान तेरी सच बोलने लगी है, तो अब तेरा ये मकाम आ गया है, तू अपने सर पे अमामे को सजा ले, ये मकाम आ गया है, तेरे चेहरे पे दाढ़ी भी रख ले, ये मकाम आ गया है, तू कुर्ता पजामा भी पहन ले, ये मकाम आ गया है कि तेरा मामला ऐसा हो गया है कि तुझे देखकर और लोग ईमान से मुशर्रफ हो रहे हैं, लिहाजा वो आशिक खुद ब खुद अपना होलिया बदल लेता है और कैफियत उसकी बदल जाती है। लेकिन इब्तिदा अब ये समझे कि इतना करना है तो शुरुआत भी नहीं हो रही है। अजीजाने गिरामी एक वाकया याद आता है, हर इंसान की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला वाकया है,
आप देखिए, क्योंकि मैं एक एक चीज बताते जाऊं तो वक्त बड़ा तवील हो जाएगा। सिर्फ एक ये वाकये में दो जिंदगी की सबसे आगे की चीज, सबसे आखिरी चीज आपको मिल जाएगा। आपको अलामिया महसूस हो जाएगा कि हम इस मकाम पे पहुंच जा सकते हैं आसानी के साथ। जैसा मैंने अर्ज किया कि अबू साफ कर रहे हैं, ये समझ लो कि आका की सुन्नत है। जिंदगी का हर अमल आका की सुन्नत के मुताबिक कर लिया तो हर अमल को खुदा ने इबादत लिख दिया। एक अल्लाह के बड़े वली थे, बड़े बुजुर्ग थे, बड़ा आप गौर से सुनिए उस वाक्य। एक मरतबा उन्होंने अपने घर वालों से कहा, बेगम टिफिन बना लो, ऐसे शख्स के पास खाना ले जाना है जो आज तक खाना नहीं खाया, आज तक खाना नहीं खाया। बेगम ने बड़ी शौक से खाना बनाया, टिफिन तैयार कर लिया। बोले बना ली, तैयार कर ली, बताइए मेरे सरकार कहाँ ले जाना है, मेरे सरताज बोलिए। बोले कि समंदर के किनारे जाओ, खैर जाओ, समंदर को बोलो ऐ समंदर मुझे रास्ता दे दे, मुझे उस शख्स के पास जाना है जो आज तक खाना नहीं खाया। कहना था समंदर में रास्ता बन गया। वो चलने लगी, जाते जाते भी समंदर में देखी कि एक बुजुर्ग बैठे हैं, इबादत में मसरूफ है। उनके पास पहुंची और वो टिफिन दी, कहने लगी कि फुलां साहब ने भी जाया, बुजुर्ग बैठे खाना खा लिए। अब टिफिन लेके वापस पलटी तो फिर समंदर बंद रास्ता नहीं। पलट के पूछती है कि हजरत क्या बात है, अब जाऊँ कैसे? बोले समंदर से बोलो, क्या समंदर मुझे उस शख्स के पास जाना है जिसने आज तक अपनी बीवी से ख्वाहिश पूरी नहीं की। पलट के उसने यही बात समंदर से कह दी, समंदर रास्ता दे दिया। हैरानी का आलम था। पलट के घर आई, औरतों का मिजाज थोड़ा तेज होता, बोले बड़े भैया क्या बात है, वो उनके पास ले गए टिफिन तो वो तो बैठ के खा गए, और आपका मामला ये है कि मेरे साथ रहते भी हैं, औलाद भी है, वो आपके बारे में कहते कि आपने अपने औरत के साथ कभी ख्वाहिश पूरी नहीं की, आप उनके बारे में कहते कि वो कभी खाना नहीं खाए, मेरे दिमाग में तो ये बात नहीं होती। तो कहने लगी है दीवानी सुन, कहने लगी है अल्लाह वाले तो सुन। हाजरीन मुहतरम, बड़ा अजीब वाकया इसमें आप देखिए, रब ने अपने बंदों के लिए क्या किया। तो कहने लगे मेरी बात सुन, वो शख्स जिसके पास तूने टिफिन लेकर गया था, वो शख्स जिसको तूने खाना खिलाया है, वो शख्स आज तक कभी भी अपनी भूख मिटाने खाना नहीं खाया, अपने शौक के लिए खाना नहीं खाया, जब भी खाना खाता तो ये सोच के खाता, खाना इसलिए खा रहा हूं इससे जो ताकत मिलेगी परवरदिगार तेरी इबादत करूंगा, मालिक तुझे सजदा करूंगा, मालिक तेरे लिए नमाज पढ़ूंगा, मालिक तेरे दीन के दावत का काम करूंगा, लोगों को तेरी बारगाह की तरफ बुलाऊंगा, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाऊंगा, लोगों को दीन सिखाऊंगा। उसकी नीयत ये है तो वह जब जब खाना खाता है परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों मेरे ये बंदे के खाने को खाना नहीं लिखना, इबादत लिखना है। और वैसे ही मैं जब भी तेरे पास आता हूं अपनी शौक के लिए या ख्वाहिश के लिए नहीं, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत की कसरत होगी तो कियामत में मैं कसरत उम्मत पे फख्र महसूस करूंगा, तो औलाद होगी तो मेरे नबी को खुशी होगी, औलाद होगी तो दीन का दाई पैदा होगा, औलाद होगी तो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला होगा। तो ये नीयत से मैं तेरे पास आया तो खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ये अपनी औरत के पास तो जा रहा है लेकिन अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं जाता, इसलिए जाता कि मेरे बंदे ज्यादा हो, मेरे हबीब की उम्मत ज्यादा हो, मेरे दीन की तरफ बुलाना हो, इसके इस अमल को भी इबादत लिख दो, कुर्बान जाओ इस दीन पर। कौन सा अमल चाहिए? खाने का अमल? मैं तो मेरी लज्जत के लिए खा रहा हूं, नियत से रब की कर दिया, खाना भी इबादत बन गया, मैं मेरी नफ्स की ख्वाहिश के लिए अपनी औरत के साथ हूं लेकिन नियत खुदा से जोड़ दिया, खुदा ने उसको इबादत लिख दिया। अरे इस्लाम तो वो मजहब है, मजा तुम्हारा है, खुदा इबादत लिख रहा है, पेट मैं भर रहा हूँ, खुदा इबादत लिख रहा है, औलाद को लिबास पहना रहा हूँ, मार्केट में लोग देख के बोले क्या अच्छा लिबास है,
लेकिन मेरी नीयत है कि खुदा ने हुक्म दिया था औलाद की अच्छी परवरिश करो तो वो भी एक इबादत है। अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था, अच्छी तालीम दिलाओ वो भी इबादत है। फर्ज ये कि सुबह उठने से लेके शाम सोने तक बंदा इबादत ही इबादत के अंदर है और यही विलायत है, यही अल्लाह वाल है। सुबह से शाम तक अपने हर अमल को रब से जोड़ दो, अपने हर काम को रब से जोड़ दो, आप भी खुदा के और क्या फरमाए अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह हर ईमान वाले का दोस्त है, हर ईमान वाला अल्लाह का वली है। कब? जब उसका सुबह ऐसी हो, उसकी शाम ऐसी हो, उसका चलना ऐसा हो, उसका फिरना ऐसा हो। अजीज़ाने गिरामी, ये इंकलाब का महीना है, आका की आमद इंकलाब के लिए हुई है। हमारी जिंदगियों में कईयों मिलाद आए चले गए, आज के इस मिलाद के मौके पर इस महीने से इस साल से हम में का हर एक आज़म कर ले, ये इरादा कर ले, ये सोच ले कि ये मिलाद इंकलाब का मिलाद होगा। मेरी जिंदगी में इंकलाब, मेरे घर में इंकलाब, मेरे महल्ले में इंकलाब, मेरे शहर में इंकलाब, मैं अपने आप में इंकलाब बपा करके रहूंगा, तब्दीली ला के रहूंगा, ये आप आज़म कर ले। और याद रखें अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को वो मकाम अता फरमाया, हुजूर को सारी कायनात का इमाम बनाया, हुजूर को सारी कायनात का इमाम बनाया, हुजूर की उम्मत को सारी उम्मतों का इमाम बनाया। हम इमाम हैं, इमाम कहाँ होता है? इमाम कहाँ होता है बोलिए? सबसे आगे होता है। लेकिन आज हम कहाँ हैं? सबसे पीछे। क्यों? हमारे सिफात आगे रहने की नहीं है, हमारे किरदार आगे रहने के नहीं है, हमारे आमाल आगे रहने के नहीं है, इसलिए हम पीछे हो गए। लेकिन आज भी वक्त है, आज भी वक्त है। क्या फरमाया? आज भी हो जो इब्राहिम से इमाम पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े रिश्ता पैदा। अभी वक्त गया नहीं, याद रखिए दो दिन भी अगर हमारे ज़िंदगी के बाकी है, पता नहीं हमारी ज़िंदगी कितनी बाकी है। मैं ये लफ्ज़ कहने से पहले हो सकता मेरी रूह परवाज हो जाए, हो सकता मैं यहाँ उठने से पहले पहले ख़त्म हो जाऊँ, अंदाज़ा नहीं है कि कितना वक्त किसका लिखा हुआ है। लेकिन जितना अभी वक्त बाकी है उतना वक्त काफ़ी है, जितना भी वक्त बाकी है उतना वक्त काफ़ी है इंकलाब लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए, अपने आप में चेंज लाने के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लामा इक़बाल का एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, बरह नसर है तू, बरह नसर है तू, अज़्मे बुलंद पैदा कर। बरह नसर का क्या मतलब है? नंगे सिर, नंगे सिर है तू। कौन? उम्मत मुहम्मदिया का एक एक फर्द, हर फर्द से अल्लामा इक़बाल पुकार के कह रहे हैं तू नंगे सर है। क्या मतलब है नंगे सिर? टोपी पहना हुआ नहीं है बोलना चाह रहे हैं, नहीं, फरमा रहे हैं कि ए उम्मत ये मुहम्मदिया के फर्द, समझ रब ने तेरे सर पर इमामत का ताज रखा था, बादशाहत का ताज रखा था, कायद का ताज रखा था। तू कायद है, तू इमाम है, तू बादशाह है, तेरे सर पे एक ताज था, तेरे आमाल की वजह से वो ताज चला गया, अब तू नंगे सर हो गया। फरमाया बरहना सर है तू, अज़्मे बुलंद पैदा कर। एक शेर में दो बातें अल्लामा इक़बाल ने फरमाया, एक बात फरमा रहे हैं तेरा ताज चला गया, दूसरी बात में फरमा रहे हैं लोगों ताज गया लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि फिर वो ताज वाला कोई और दुनिया में आ नहीं सकता, वो ताज तेरा है, तेरी मिल्कियत है, तेरी जागीर है, वो मिलेगा तो तुझे मिलेगा, तू सिर्फ उसके काबिल बन। बरह नसर है तू, अज़्मे बुलंद पैदा कर, यहाँ सिर्फ सरे शाही के लिए है कुला। फरमाया ये ताज शाही परिंदे के लिए है, वो शाही परिंदा कौन है? फरमाया वो उम्मते मुहम्मदिया का एक एक नौजवान है जिसकी उड़ान बहुत ऊंची है, नीचे से अर्शे मुअल्ला तक है, वो उड़ता है तो लेके उड़ता है। तो फरमाया तेरा ताज लटक रहा है, इंतजार कर रहा है, अल्लाह ने तुझे
तुझे ताजे बादशाहत अता किया था, ताजे इमामत अता किया था, ताजे कियादत अता किया था, वो ताज तेरे सर से तो गया, क्यों कि तूने अपना मकाम भूल गया, अपने किरदार से हाथ धो लिया, इसलिए वो ताज लटक रहा है। लेकिन ये भी फरमा दिया, कियामत तक वो ताज कोई और अपने सर पे ला नहीं सकता, क्योंकि ये ताज तेरी जागीर है, तेरा है, मिलना है तो तुझे मिलेगा। अब अज़्मे बुलंद पैदा कर, खड़े हो जा, इंकलाब ला ले, अपनी जिंदगी में तब्दीली ला ले, वो बादशाहत का ताज तेरे सर पे आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए-ईद मीलाद नबी, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हाजरीन मोहतरम, आज जरूरत इस बात की है कि अपने मकाम को पहचाने। हमारा कियादत का ताज, हमारा इमामत का ताज, हमारी बादशाहत का ताज हमारा इंतजार कर रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि मैं अपनी हिफाजत करूं, आप अपनी हिफाजत करें, मैं अपनी औलाद की हिफाजत करूं, आप अपनी औलाद की हिफाजत करें, मैं अपने घर को नबी के दीन का गहवारा बना दूं, आप अपने घर को नबी के दीन का गहवारा बना दें, मैं मेरे महल्ले में दीन का गहवारा बनाऊं, आप अपने महल्ले को दीन का गहवारा बना दें। याद रखिए, मैं जैसे अर्ज किया, दुनिया में हजारों उम्मतें हैं, हजारों उम्मतें हैं, कोई भी उम्मत के पास नजात का परवाना नहीं है। मेरे भाइयों, गौर से सुन ले मेरी बात, हजारों उम्मतें हैं, किसी के पास नजात का, कामयाबी का, जन्नत का परवाना नहीं है। अगर जन्नत का परवाना है, हमारे पास है, उम्मते मुहम्मदिया के पास है, सारी दुनिया को नजात दहिंदे हम बन के आए हैं, नजात वाले बन से बन के हम आए हैं, नजात दिलाने वाले हम बन के आए हैं। तो आज आप मैं हम में का एक एक यहां से कैसे होना चाहिए कि हमारा मामला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बशीरा व सिराजम मुनीरा, वो रोशन चराग है। फरमाया जब एक चराग रोशन होता है, उसके पास दूसरा जब छोटा सा चिराग आता है, वहां झुक के वो भी मुनव्वर होता है, जब वो मुनव्वर होता है तो अपनी जगह जाके वहां मुनव्वर करता है। हम सिराजम मुनीर की उम्मत है, वो रोशन चिराग की उम्मत है, उस रोशन चिराग से रोशनी लेके मुझे भी एक चिराग बनना है, आपको भी एक चिराग बनना है, मेरे बेटे को भी चिराग बनना है, आपके बेटे को भी चिराग बनना है, मेरी बेटी को भी चिराग बनना है, आपकी बेटी को भी चिराग बनना है, मेरी बीवी को चिराग बनना है, आपकी बीवी को बनना है, मेरे तमाम घर वालों को बनना है, आपके तमाम घर वालों को बनना है। क्यों कि ये दुनिया में कुफ्र का अंधेरा है, जहालत का अंधेरा है, बदतमीजियों का अंधेरा है, जुल्म का अंधेरा है, मारपीटी का अंधेरा है, सूद का अंधेरा है, ये सब मिटेगा, उस वक्त मिटेगा जब हम चराग बनेंगे, आप चराग बनेंगे, मैं चराग बनूंगा, मेरी घरवाली चराग बनेगी, मेरा बेटा चराग बनेगा, आपकी बेटी चराग बनेगी, हम सब चराग बनेंगे, तो ये दुनिया का अंधेरा छट जाएगा, यहाँ के तमाम जुल्मतें छट जाएगी और नूर ही नूर होगा और चमकेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजिरीन मोहतरम, असल बात यह है, हम ये समझे कि दीन शमले वालों की जिम्मेदारी है, दीन दाढ़ी वालों की जिम्मेदारी है, दीन हुफ्फाज़ उलमा की जिम्मेदारी है, दीन मस्जिद के इमाम नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। और चिराग सिर्फ मौलाना बन सकते नहीं, आप भी बन सकते, हर एक बन सकता, बल्कि बन सकता नहीं, बनना चाहिए हर एक को। रब ने फरमाया, अरे कलमा सिर्फ मुसलमान मौलाना नहीं, हर एक के दिल में कलमे की ताकत है। और अल्लाह से पूछा गया, कहाँ है, तो बोले टूटे हुए दिल में हूँ। किसके दिल में? फरमाया सिर्फ मौलाना के, इमाम के, आलिम के, हाफिज के नहीं, उम्मत के हर फर्द के दिल में, हर ईमान वाले के दिल में खुदा जलवा अफरोज है, उसका नूर है, उसके ईमान की ताकत है।
जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को पहचाने और उसको रोशन करें, उसको मुझे आजम बुनियाद बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजरीन मुहतरम, आखिरी एक अल्लामा इकबाल का शेर अर्ज करके बात को खत्म करता हूं। आपको ये बात समझ में आ गई, रब ने हम में से हर एक को रसूल रहमत का उम्मती, ऐसा उम्मती जो दीन को दूसरे तक पहुंचाए, ऐसा उम्मती जो रसूल के पैगाम को दूसरे तक पहुंचाए, ऐसा उम्मती जो शरीयत दूसरों तक पहुंचाए, ऐसा बना के भिजाया है। हमारी जिम्मेदारी है हम सीखें, कुरान सीखें, शरीयत सीखें, तरीक़ा सीखें, इस्लाम की जिम्मेदारियों को सीखे, ये सब चीज़ों को सीखे, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ सीख ले, इसके लिए अल्लामा इकबाल एक शेर फरमाते हैं, वैसे कई अशार है, वक्त नहीं है आपको सदारती खिताब सुनना है, मैं एक शेर पे अपने बात करता हूँ। यही उम्मत को उठाने के लिए, जैसा एक जगह फरमाया, बरह असर है तू आज़माने बुलंद पैदा कर। एक और एक शेर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गाफिल न हो खुदी से कर अपने पास पासवारी। खुदी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी अपनी इज्जत। हमारे नौजवान बोलते हैं मेरे को बोला भाई को बोला, ये भाई जो है ना ये बहुत अहम है, हमने इस भाई को सिर्फ महल्ले की दादागिरी तक इस्तेमाल किया है, अरे भाई इस भाई को सिर्फ हमने पान डब्बे तक इस्तेमाल किया है, अरे भाई की जो भाईपन है उसको हमने गुटखे और सिगरेट तक इस्तेमाल किया है। अल्लाह फरमाता यकीनन तू भाई है, तू खुदी है तेरे अंदर, तू वो भाई है जो ठहर गया तो हजारों कुफार को जन्नत में ले जाएगा, हजारों निगरे हुओं को सुधार देगा। तू खैर हो जा, तू भाई बन जा, तू भाई बना हुआ है कैमे जगलीपन में, गालियों में, बदतमीजी में, अगर तू रब की वारदा में भाई बन जाए तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं क्या, खुदी गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पास वाली। अरे तेरे में वो आग है, तेरे में वो शोला है, तेरे में वो भाईपन है, तेरे में वो मकाम है, कर अपनी पास वाली, यानी अपने आप की हिफाजत कर, कैसी गुनाहों से हिफाजत कर, झूठ से हिफाजत कर, बद निगाही से हिफाजत कर। गुनाह कर लिया आधा दम खत्म हो गए, झूठ बोला आधी ताकत चले गई, खराब काम कर लिया आधी ताकत चले गई, अब कमजोर पड़ता जा रहा। अल्लाह इकबाल फरमाते गाफिल न हो खुदी से, अपने आप से कभी भी गाफिल मत हो, अपना कॉन्सेंट्रेशन अपनी जात से मत हटा, कर अपनी पासबानी, इतने अपने आप की हिफाजत कर, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। यानी तू वो है आस्ताना, किसको बोलते फुला हजरत का आस्ताना, वहां से जाओ हजारों फैजियाब हो रहे हैं। तो फरमाया अरे तुम में का हर एक आस्ताना बन सकते हो फैज का, फैज की शमा बन सकते हो, तुमसे फैज निकलेगा, तुम में का हर एक उस मकाम पे पहुंच सकता है। फरमाया गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी, गफलत मत कर, नमाजी बन, झूठ मत बोल, धोखा मत बने, धोखा मत दे, गीबत मत कर, हराम मत खा, जब अपनी हिफाजत करेगा शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। तू जहां ठहरेगा लोग तुझे देख के कलमा पढ़ेंगे, तुझे देख के तौबा करेंगे, तेरे चेहरे को देखेंगे तो ईमान लाएंगे। फरमाया इज़ा रूज़िकर अल्लाह, अल्लाह वाला वो होता है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, उम्मती वो होता है जिसे देखो तो नबी याद आ जाए। ये इंकलाब का महीना है, पैगंबर इंकलाब आए, हम उम्मते इंकलाब है, लाजिम है आज अहद करके उठे, अपने आप में वादा करके उठे, किसी से वादा मत करो, अपनी जात से वादा करो, ठान लो दोस्त की शादी में मरफा और फूल का हार ले जाना है, लोग मना कर रहे हैं, दूल्हे का बाप रुका रहा है, दुल्हन का बाप रुका रहा है, रिश्तेदार रुका रहे हैं, सब मिल के गए, अंकल एक घंटे की बात है, परमिशन दे दीजिए, शादी बार बार तो नहीं आती, हम सब मिल के लाना चाह रहे, बाप को मना लिए, ससुराल वाले रुके उनको मना लिया, पुलिस से परमिशन ला लिया, क्यों, हम इरादा करे थे कि बैंड भी होना हार भी होना, दुनिया को झुका दिया, अपना काम पूरा कर लिया। अल्लाह फरमाता है अपने आप में इरादा कर, अज़्म कर, खड़े हो जा इस्लाम के
लिए खड़े हो जा, रसूल के लिए खड़े हो जा, दुनिया तुझे झुका नहीं सकती, तेरा शैतान तुझे झुका नहीं सकता, तेरा नफ्स तुझे झुका नहीं सकता। क्यों? कि जब तू खुदा के लिए खड़ा होता, खुदा तेरे साथ होता है, उसकी नुसरत तुझे मिलती है और तुझे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। आज हमको खड़े होना है, तैयार होना है। अज़्म की आग से पत्थर भी पिघल जाते हैं, अज़्म की आग से पत्थर भी पिघल जाते हैं। गर न हो अज़्म तो मोम भी है पत्थर की तरह। अगर हमारे पास इरादा नहीं है, बहाने बहुत होते हैं, मोम भी हमारे हाथ से नहीं पिघलेगा, क्योंकि पिघलाने की हमारे पास ना इरादा है ना नीयत है। तो सुधर ले, अज़्म इख्तियार कर ले, नीयत कर ले कि ये इंकलाब के महीने से जिंदगियों में, घर में, महल्ले में, शहर में, मुल्क में, कायनात में हम इंकलाब लाएंगे। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आता है इतना मारे कि आपका चेहरा सूज गया, हजरत अबू बकर का चेहरा पहचाने नहीं जाता, यहाँ तक कि आप बेहोश हो गए। कुछ लोग आके रुकाए, कहने लगे उनके कबीले वाले आएंगे तो जुल्म होगा, लिहाजा छोड़ दो। बहरहाल उनको उस हालत में उनकी वालदा के घर पे लाया गया, जो खुशी के आलम में है। अजीदाने गिरामी, लोग परेशान है, आपके चेहरे पर सूजन है और घर में लेटे हुए हैं, पास में उनकी वालदा बैठी हुई है और रिश्तेदार बैठे हुए हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश लेटे हुए, कुछ देर गुजरी, थोड़ा सा इफाका हुआ, होश में आए। तो जब होश में आया तो वालदा से पूछने लगे कि अम्मा जान, मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, उनसे साथ क्या हाल हुआ? आप अंदाज़ा फरमाइए। मैं आपको अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि उस वक्त कोई कलीमा पढ़ लेता, उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट जाते, आका का नाम लेता, जुल्म के पहाड़ टूट जाते। लेकिन मालिक का करम है, आपको ऐसे दौर में पैदा किया, ऐसे माहौल में पैदा किया कि इस्लाम के लिए आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतों को हमारे बड़ों ने झेल लिया, अपने सरों पे, अपनी जानों पर, अपनी नस्लों पर, अपनी औलादों पर, अपने माल पर, हर एक पर ले लिया। और आज उम्मत से कहा, जान की बात थी हमने अपने सर पे लिया, माल की बात थी हमने अपने सर पे लिया, और कुर्बानियों की बात थी हमने अपने औलादों पे लिया। आने वाली उम्मत मुहम्मदिया, अब तुम्हारा काम सिर्फ अमल करना है। अब ना तुमसे जान मांगी जा रही है, ना माल मांगा जा रहा है, तुम्हें सिर्फ अमल करके बतलाना है, सिर्फ नमली मैदान में नमूना पेश करना है कि हम गुलामान मुस्तफा है, हमारा अमल गुलामान मुस्तफा का। अजीजा ने गिरामी, याद रखिए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे अमल करना हमारे लिए बड़ा आसान बना दिया सहाबा ने, ताबईन ने, ताबईन ने, औलिया ने। अजीजाने गिरामी, ये सिलसिला सिर्फ सहाबा तक नहीं, औलिया तक भी आप देखिए, बड़े बड़े औलिया को देखेंगे, अइम्मा और मुहद्दिसीन को देखेंगे जो कई कई साल जेलों में गुजारे, उनके जिस्मों पे कोड़े मारे गए, उनके हाथों को काट दिया गया। जब जब दीन का नाम लेते या उसके लिए आगे बढ़ते तो उनके ऊपर बड़े बड़े मजालिम ठाए गए। मैं अपने आप से पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं घर के अंदर दीन पे अमल करना चाहूँ, बचपन नमाज पढ़ना चाहूँ, या बीवी से नमाज पढ़वाना चाहूँ, या बच्चों से नमाज पढ़वाना चाहूँ, या उनको पर्दे पे अमल करवाना चाहूँ, या शरीयत पे अमल करवाना चाहूँ, तो दुनिया नहीं है आपको रोकने के लिए, कोई आपके सामने नहीं आ रहा है। सिर्फ हमारे अपने नफ्स ने, हमारे किरदार ने, हमारी दुनिया की ख्वाहिशात ने, हमारे तौर तरीके ने, हम जो तरीके को दुनिया के लिए समझा है, वो हमको इस चीज़ों से रोक रहा है। तो खुदा के लिए अपने आप पे तब्दीली लाए, क्योंकि ये जो मिलाद का महीना है, हुजूर की आमद का महीना है, ये हुजूर की आमद क्यों हुई है? फरमाया, ये इंकलाब के लिए हुई है, रिवॉल्यूशन के लिए हुई है, तब्दीली के लिए हुई है, चेंज के लिए है। क्योंकि दुनिया तो हजारों साल से कायम थी,
हजरत आदम के दौर से दुनिया है, हजरत नूह है, हर 1,24,000 अंबिया थे, दुनिया का कयाम है, दुनिया चल रही थी, लेकिन जैसी चल रही थी वैसी खुदा को मंजूर नहीं थी, तो खुदा ने फरमाया अब दुनिया मेरी मर्जी की चलनी है तो मैं अपने महबूब को भिजाऊं ताकि दुनिया में चेंज आए, तब्दीली आए, इंकलाब आए। अजीजा ने गिरामी, हमारे रसूल रसूल इंकलाब है, उनकी उम्मत उम्मत इंकलाब है, तो रसूल इंकलाब ने उस दौर में इंकलाब लाया, आज उम्मत इंकलाब का काम है कि इस दौर में इंकलाब ला दे। उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अपने आप में वो कैफियत लाए, वो मिजाज लाए, वो तब्दीली लाए, वो ताल्लुक रसूल पाक से पैदा करे, वो ताल्लुक रूहानी अपने रब से पैदा करे और दुनिया में तब्दीली लाके जब जाके चैन ले, जब जाके इत्मीनान की सांस ले। अजीजाने गिरामी, बात दरअसल ये है कि हमने अपने आप को पहचाना नहीं है, हमने अपने आप को जाना नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं इस नवाब साहब कुंटे के चौरस्ते पे, इस इलाके में हम बैठे हैं, आप समझ रहे हैं कि इस इलाके की हद तक हमारा मामला है। नहीं, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, ये सब बैठे हैं, इनके अंदर एक खास एक डिवाइस एक चीज बैठी हुई है कल्ब के अंदर, उसका नाम या उसका लफ्ज इस्तेमाल कर लूँ तो वो है कलीमे तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं नवाब साहब कुंटे के इस तअल्लुक इस कोने में बैठा हुआ हूँ, लेकिन जब मेरे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो यहाँ से डायरेक्ट मेरा कनेक्शन गुंबद खजरा से है, वहां से मेरा ताल्लुक डायरेक्ट अर्श आदम से है। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मेरा ताल्लुक अर्श आदम से है, वहां बैठने वाली जात से है, वो जो कहता है वो फैसला होता है, हमारा काम है उसकी बारगाह में मारूजा रखे और कायनात में वो चीज को इंप्लीमेंट कर दे। आज जरूरत इस बात की है कि आप अपने मकाम को समझे, मैं अपने मकाम को समझू। जरूरत इस बात की है कि आज हम अपने बच्चों को उनका मकाम समझाए, उनका मर्तबा समझाए। हम अपने आप को एक मामूली इंसान, हम अपने आप को एक दुनिया वाला इंसान, हम अपने आप को एक जमीन पर चलने वाला इंसान समझे हुए हैं। इसी वजह से हम ये नहीं सोचते कि मेरा ये काम है यहाँ ठहरे ठहरे, अगर मैं गुटखा खा के ठहरा हुआ हूँ या ठहरे ठहरे अपनी जबान से कोई लफ्ज निकाल रहा हूँ, ठहरे ठहरे किसी को तकलीफ दे रहा हूँ, तो हमको पता ही नहीं है कि यहाँ ठहरे हुए आप है लेकिन आपका ताल्लुक उधर से है। जब इसका एहसास हो जाएगा, जब इसका ख्याल आ जाएगा कि अरे मैं यहाँ ठहरावा जरूर हूँ लेकिन मेरे दिल में जो कलमा है उस वजह से आसमान वाली जात मुझे देख रही है, चाहे मैं यहाँ ठहरूं वो मुझे देख रहा है, चाहे मैं अपने घर में बेड पे हूँ वो मुझे देख रहा है, चाहे मैं मस्जिद में हूँ वो मुझे देख रहा है, चाहे मैं कारोबार में गल्ले पे बैठा हुआ हूँ वो मुझे देख रहा है, चाहे मैं कहीं भी हूँ रब से मेरा ताल्लुक है। तो मेरा जब ताल्लुक होगा तो रब्बुल आलमीन हमारा जो मामला फरमाया है, हदीस पाक में आता है जब बंदा रब से अपना ताल्लुक जोड़ लेता है, रब से अपने आप को जोड़ लेता है, रब के जब करीब हो जाता है तो उसको ज्यादा कुछ पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इरादा कर ले, सिर्फ नजर उठा के देख ले, अल्लाह फरमाता है जब बंदा मेरा हो जाता है तो किसी मामले में कसम उठा ले तो अल्लाह वो पूरी कर देता है, खाली कसम उठा ले तो पूरी कर देता है। अजीजाने गिरामी, ये महीना इंकलाब का महीना है, इंकलाब का महीना। इंकलाब किसे कहते हैं? हमने बहुत मरतबा नारे मारे हैं इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। इंकलाब का मतलब क्या है? इंकलाब का मतलब तब्दीली है, इंकलाब का मतलब चेंज है, इंकलाब का मतलब रेवोल्यूशन है। अपने आप में चेंज, अपने घर में चेंज, अपने महल्ले में चेंज, अपने शहर में चेंज। अदीदा ने गिरामी, अगर मेरी उम्र 40 साल की है, अगर मेरी शऊर को मैं पहुंचने में 15 साल लगे हैं तो बाकी 25 साल मेरी जिंदगी में मिलाद आया चला गया। अगर किसी की उम्र 50 साल की है, शऊरी हुआ है तक 15 साल निकाल दिया तो 35 साल से मिलाद आ रहा है। इसी हिसाब से हर इंसान अपनी अपनी उम्र का हिसाब लगा ले, कितनी मरतबा मिलाद उनके जिंदगी में आया है, मिलाद का मौका आया है, आका की आमद का मौका आया है, तो क्या सिर्फ जलसा सुन लेना ही मिलाद है?
सिर्फ नारा मार लेना ही मिलाद है या सिर्फ हुजूर की नाद सुन लेना ही मिलाद है? नहीं, मिलाद का मतलब यह है कि अपने दिल के अंदर आका की मोहब्बत को बिठाकर मेरा चलना भी रसूल पाक की तरह हो जाए, मेरा बैठना भी रसूल पाक की तरह हो जाए, मेरा सोना भी रसूल पाक की तरह हो जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, हदीस पाक में आता है अगर अल्लाह वाले को पहचानना है तो बोले अल्लाह वाला कौन है? तो फरमाया इज़ा ज़िक्रुल्लाह, तुम जब उसे देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। तो बोले उम्मती कौन है? उम्मती को देखो तो नबी याद आ जाए, और अल्लाह वाले को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये बात गौर से सुन ले, आज दिल पे हाथ रख के कह दे, कोई ऐसा हम में शख्स है मुझे देखकर क्या मेरा नबी याद आता है? मुझे देखकर क्या मेरा खुदा याद आता है? मेरे में कोई अमल ऐसा है जो देखकर कोई इंसान कह सकता है इसका ताल्लुक गुंबद हज़रा के वकील से है? कोई मेरा अमल ऐसा है जिसे देखकर कोई कह सकता है इसका ताल्लुक अर्श अल्लाह वाले से है? नहीं, मेरे में कोई अमल ऐसा नहीं कि मुझे देख के कोई खुदा वाला कह सके या मुझे देख के कोई नबी वाला कह सके। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे अंदर आमाल वो होनी चाहिए जो तब्दीली वाले आमाल है, मिजाज तब्दीली वाला हो। अज़ीज़ाने गिरामी, जैसा कि मैंने अर्ज किया, आज इस्लाम पे चलना कोई बड़ा मसला नहीं है। किसी ने आपसे जान नहीं मांगा, किसी ने आपसे माल नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के सुबह से शाम तक पूरे 24 घंटे के अंदर अगर 5 वक्त नमाज जमात से पढ़ते हैं तो आप पूरा कैलकुलेशन कर लिया, 1 घंटा निकलेगा, थोड़ा और वक्त लगा ले तो 1.5 घंटा, 24 घंटे में 1.5 घंटा अल्लाह की बारगाह में निकाल दो। कारोबार में सच बोल लो और साल पड़ोसी से अखलाक के साथ रह लो, बड़ों का थोड़ा अदब कर लो, छोटों पर थोड़ी शफक्कत कर लो, माँ बाप के साथ एहतराम से पेश आओ। आज के दौर के वली भी हो, जन्नत भी आपकी है, खुदा भी आपका है, रसूल भी आपका। सुभान अल्लाह। इसके अलावा आपसे कोई मुतालबा नहीं है। इससे अलावा आपको न जंग में जाने को कहा जा रहा है, न जान देने को कहा जा रहा है, न दुनिया में बड़े से बड़े मारे के कहे जा रहे हैं, कोई काम नहीं है। रब की बारगाह में आ जाओ। अज़ीज़ाने गिरामी, यकीनन इस्लाम बहुत आसान मजहब है, यकीनन बहुत सारी आसानियां शरीयत के अंदर है। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत आसानियां फरमा दिया। अज़ीज़ाने गिरामी, आपने आयत कई मरतबा सुना होगा, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशियन मुतसद्दिअन मिन ख़शयतिल्लाह। फरमाया कि ये कुरान अगर हम आस पहाड़ पे नाज़िल करते, हमारा कुरान अगर हम पहाड़ पे नाज़िल करते तो ये कुरान के जलालत से, इसके वजन से पहाड़ हल रोजा रेजा हो जाता, कांप जाता। लेकिन हमारा बच्चा बच्चा हाफिज हो रहा है, हमारे मस्जिद के अइम्मा हाफिज हो रहे हैं, हमारे महल्ले में सैकड़ों हाफिज हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं? पहाड़ जब चुकना चूर हो जाए, ये मासूम बच्चे हाफिज कैसे हो रहे हैं? तो उलमा लिखते हैं, मुफस्सरीन लिखते हैं, कुरान की वो अज़मत जो पहाड़ पे नाज़िल हो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। आकाए दो जहां सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान की वो अज़मत को, कुरान की वो जलालत को, कुरान की वो कैफियत को अपने कल्बे अथहर में लेकर, अपने कल्ब पे लेकर इतना नरम कर दिया कि उम्मत का हर बेटा हाफिज बन सकता है, उम्मती हाफिज बन सकता है। इसी तरीके से इस्लाम के लिए बड़े बड़े मुजाहिदे जो करनी थी आका ने कर दिया, सहाबा ने कर दिया, ताबईन ने कर दिया, औलिया ने कर दिया, ऐ उम्मत मुहम्मदिया आज तो बड़े बड़े मुआवजे हैं, जिम्मेदारियां वो बड़े बड़े मुजाहिदे ना मुझ पे है ना आप पे है, आज दीन हमारे लिए है तो चंद आसान चीजों पर है। अगर वो भी हम ना कर सके तो अपने आप को उम्मत मुहम्मदिया का फर्ज कहलाने के हम लायक है, ना हम अपने आप को मुसलमान कह सकते, न सरकार का गुलाम बन सकते। अज़ीज़ाने गिरामी, अर्ज करना ये है कि फरमाया कि वो लोग कामयाब है जो ईमान वाले हैं। ईमान के बाद फरमाया वअज़्ज़रूहु वनसरूहु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, हमारी क्या हैसियत है कि हम हुज़ूर की ताज़ीम करें? हुज़ूर की ताज़ीम में रब ने पूरा कुरान लिखा, सारी कायनात का बादशाह जब उनकी ताज़ीम बयान की,
रब ने उनकी तआज़ीम बयान की, फरिश्तों ने किया, अम्बिया ने किया, बड़े बड़े औलिया ने किया। तो फरमाया हुजूर की तआज़ीम करना वो नसरू और हुजूर की दीन की मदद करना। अब हुजूर के दीन की मदद का क्या मतलब है? तो फरमाया दीन की मदद का मतलब यही है कि अपनी जिंदगी को, अपने उठने बैठने को, अपने चलने फिरने को, अपनी जिंदगी के किरदार को आका की सुन्नतों के मुताबिक बना लो। चलते फिरते उठते बैठते आप जहाँ कहीं हो, आपका लिबास, आपका बोलना, आपका चलना, आपका कारोबार करना। फरमाया आप अंदाजा फरमाइए, शरीयत हम समझते हैं, मैं बहुत आसान बात कर रहा हूँ, वजीफा नहीं मिला। जब कभी ये बात उलमा करते हैं, मैं कर रहा हूँ कि उम्मत सुन्नत पे अमल कर ले, दीनदार हो जाए, शरीयत पे अमल करे, हमारे दिमाग में ख्याल आता कि अब हमारे को भी शिमला बंद लेना पड़ेगा, गाड़ी छोड़ लेना पड़ेगा, कुर्ता पैजामा टोपी पहन के मस्जिद 24 घंटे मस्जिद में बैठना पड़ेगा। नहीं, मेरी बात गौर से सुनने में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, और एक ये किया इसके बाद एक और बात करके मैं बात खत्म कर देने वाला हूँ। इस्लाम बहुत आसान मजहब है, इसके अंदर सिर्फ नीयत और इखलास और कुछ नहीं, दिल की कैफियत अल्लाह यही देखने वाला है। और इतना आसान कर दिया मालिक ने, इतना आसान कर दिया दीन को, इतना आसान कर दिया हमारे तसव्वुर से बाहर। चंद लोग हैं दीन के बारे में अक्सर अजाब 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 बोल के डरा देते, हम लोग डर जाते नहीं, दीन बहुत आसान है। इतना आसान है, अगर सुबह से शाम तक मैं आपको ये बतला दूं कि 24 घंटे आप इबादत में रह सकते, हम में का हर एक 24 घंटे बता रहा हूं मैं आपको, इबादत में रह सकते 24 घंटे अल्लाह वाले बन के रह सकते, ये आसान है। कैसे? फरमाया नमाज तो फजर की हमने पढ़ लिया, ये तो फर्ज है, इसका इनकार है नहीं, और पढ़ना है तो पढ़ना है, या तो नमाज से पहले या नमाज के बाद आप ब्रश कर रहे हैं। ये ब्रश करते वक्त आपका सिर्फ ये तसव्वुर हो जाए कि मेरे आका सफाई को पसंद करते हैं और मेरे आका मुंह साफ करने का हुक्म देते हैं, तो ये ब्रश इसलिए कर रहा हूं कि मेरे आका खुश हो जाए, तो आपका ब्रश करना इबादत है। लिख ले आप, आपका ब्रश करना इबादत है, जबकि आप ब्रश अपने मुंह की सफाई के लिए, अपने जम्स को दूर करने के लिए, अपनी सेहत के लिए, सामने वाले को अपने मुंह से बदबू नहीं आने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम का हुक्म है तनब्बफु फइन्नल इस्लाम नज़ीफुन, लोगों साफ सुथरे रहो, इस्लाम साफ सुथरा मजहब है। आप रात मांझते वक्त सिर्फ ये ख्याल कर लिया कि मैं सफाई इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे महबूब आका सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सफाई पसंद थी, तो यकीनन आपका ब्रश करना भी इबादत हो गया। आप सुबह सुबह क्या करते हैं साहब? नींद में से उठे, खाना खा लिया, उसके बाद क्या करते हैं? हर एक रोजी रोटी की तलाश में निकल गए, कोई कारोबार करने जा रहा है, कोई नौकरी करने जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि नौकरी क्यों कर रहा है, कारोबार क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा कि बीवी का पेट भरे, बच्चों का पेट भरे, उसकी शादी के लिए पैसा जमा करे, उसकी तालीम के लिए जमा करे, घर का किराया देने के लिए करे। मेरी तमाम तर मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, क्योंकि मैं घर का बाप हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, घर का मर्द हूँ, भाई हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, ये पूरे जिम्मेदारियां मुझे करना है। आज तक मैं ये समझ रहा था कि नमाज पढ़ लिया, मस्जिद में इबादत कर ली, अब मैं नौकरी करने जा रहा हूँ। अरे तू जो घर से कमाने जा रहा है ये तेरा काम नहीं है। मेरे आका ने फरमाया तलबु कसबुल हलाली फरीदा बादल फरीदा, फर्ज नमाज के बाद तेरी नौकरी करना फर्ज है, तू हलाल कमाना फर्ज है। ये सोच के घर से निकल कि मेरे आका का फरमान है, मेरे रब का फरमान है, यहां से दुकान को गए तक हर कदम पे देखी, हर कदम पे अल्लाह का अजर का ताला खोल रहा है, तो इबादत शटर पे उठा रहा है, तो इबादत नौकरी कर रहा है, तो इबादत तनख्वाह ले रहा है, तो इबादत काम कर रहा है, तो इबादत। तो फरमाया सारा सुबह से लेते शाम तक जो काम कर रहा था तो इबादत ही इबादत कर रहा। क्या रब है, क्या रब है? मैं कमा मेरी बीवी के लिए रहा हूं, मेरी औलाद के लिए रहा हूं, रब मुझे सवाब दे रहा है, तनख्वाह मेरे घर वालों के लिए दे रहा है,
मेरा परवरदिगार मुझे सवाब दे रहा है, कुर्बान जाए ऐसे इस्लाम के। आपको ये नहीं कह रहा है घर में बैठे रहो, कारोबार मत करो। हाँ ये जरूर कह रहा है तुम्हारा कपड़े का कारोबार है, कोई लेने के लिए आया है, थान कपड़े के थान में कहीं थोड़ा सा कटा हुआ है तो उसको अगर बता दे तो 5 रुपए की कीमत की जगह 4 रुपए आठाने कीमत आएगी। आने दो, थान खोल के बता दो थोड़ा सा फटा हुआ है इसलिए 5 रुपए की जगह में 4 रुपए में दे रहा हूँ, बस इतना ही करो। तो फरमाया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मा नबीयीन, बंदो तुम ऐसा कर लो जन्नत में मेरे साथ रहोगे। फरमाया आप अंदाजा करिए कुर्बान जाइए इस्लाम के ऊपर। तिजारत हम कर रहे हैं, हमारा कपड़ा हम बेच रहे हैं, हमारे घर को हम पाल रहे हैं। आका फरमाते अमल तेरा, कमाना तेरा, बीवी तेरी, बच्चे तेरे, जिम्मेदारी तेरी, सिर्फ मेरे कॉल के मुताबिक कर ले, मेरे रब की मर्जी के मुताबिक कर ले, जन्नत की गारंटी है। सिर्फ जन्नत ही नहीं, जन्नत में मेरी संगत भी मिलेगी, मेरे साथ जन्नत में रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे हाजरी ने मोहतरम, जरूरत इस बात की है तिजारत करो तो सच्ची, कारोबार करा तो करो तो सच्चा। आज हमारा मामला ये है, आप कितने हम में सब यहाँ बैठे हुए, हर एक का यही मामला है, अपने आप में हम अपने लोगों से अपने बहुत से मुतमिन नहीं है। हम खुद कोई चीज़ खरीदने जाएंगे फुला की गैर की दुकान पर जाएंगे चीज़ अच्छी मिल जाती है, अपने भाई से लेंगे तो कहीं ना कहीं गंदी हो जाएगी, हर एक का बोलना क्यों, जबकि ईमान तिजारत से कार्य वाले आता, कारोबार सिखाने वाले आका। आपको अंदाजा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में फरमाया, लेकिन जब आप 25 साल के थे तो तिजारत फरमाया करते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा का माल लेकर कभी मुल्क यमन को जा रहे हैं तो कभी मुल्क शाम को जा रहे हैं, और जितने लोग कारोबार करते थे आका जब कारोबार में आए, जब ताजर बन के निकले तो जितने ताजर थे सबसे ज्यादा मुनाफा आका के पास हुआ करता था, जबकि आका तिजारत में जो माल पे आए है वो बता के बेचते थे, बोल के बेचते थे। फरमाया तुम बताओ 1 रुपया कम आएगा लेकिन जो 4 रुपए आएंगे वो ऐसी बरकत वाले होंगे, तुम्हारे दवाखाने पे खर्च नहीं होंगे, बीवी की बीमारी पे खर्च नहीं होंगे, माँ बाप की बीमारी पे खर्च नहीं होंगे, औलाद की बीमारी पे खर्च नहीं होंगे, तुम छुपा के बेचेंगे 5 की जगह 20 आएंगे लेकिन दवाखाने में उड़ जाएंगे, तुम्हारी बीमारियों में उड़ जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, उस पैसे में बरकत नहीं रहेगी। तो बहरहाल अजीजा ने गिरामी मैं अर्ज ये कर रहा था, इस्लाम बड़ा आसान मजहब है, हमको ईमान वाला सच्चा रसूल का नबी बनने के लिए डरने की जरूरत नहीं। मैं पूरी जिंदगी को बदल कर लंबा कुर्ता पैजामा पहन लूं, बड़ा सर पे अमामा बांध लूं, दाढ़ी बांध लूं, हाँ यकीनन जब मैं दीन पे अमल करने लग जाऊं आगे बढ़ते बढ़ते आपका दिल खुद कहेगा अरे तू नमाजी भी बन गया, सच्चा ताजर भी बन गया, सच्चा ईमान वाला भी बन गया, जबान तेरी सच बोलने लगी है, तो अब तेरा ये मकाम आ गया है, तू अपने सर पे अमामे को सजा ले, ये मकाम आ गया है, तेरे चेहरे पे दाढ़ी भी रख ले, ये मकाम आ गया है, तू कुर्ता पजामा भी पहन ले, ये मकाम आ गया है कि तेरा मामला ऐसा हो गया है कि तुझे देखकर और लोग ईमान से मुशर्रफ हो रहे हैं, लिहाजा वो आशिक खुद ब खुद अपना होलिया बदल लेता है और कैफियत उसकी बदल जाती है। लेकिन इब्तिदा अब ये समझे कि इतना करना है तो शुरुआत भी नहीं हो रही है। अजीजाने गिरामी एक वाकया याद आता है, हर इंसान की जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला वाकया है। आप देखिए क्योंकि मैं एक एक चीज बताते जाऊं तो वक्त बड़ा तवील हो जाएगा, सिर्फ एक ये वाकया में दो जिंदगी की सबसे आगे की चीज सबसे आखिरी चीज आपको मिल जाएगा, आपको अलामिया महसूस हो जाएगा कि हम इस मकाम पर पहुंच जा सकते हैं आसानी के साथ। जैसा मैंने अर्ज किया कि अबू साफ कर रहे हैं, ये समझ लो कि आका की सुन्नत है, जिंदगी का हर अमल आका की सुन्नत के मुताबिक कर लिया तो हर अमल को खुदा ने इबादत लिख दिया। एक अल्लाह के बड़े वली थे, बड़े बुजुर्ग थे, बड़ा आप गौर से सुनिए इस वाक्य। एक मरतबा उन्होंने अपने घर वालों से कहा बेगम टिफिन बना लो,
ऐसे शख्स के पास खाना ले जाना है जो आज तक खाना नहीं खाया, आज तक खाना नहीं खाया। बेगम ने बड़ी शौक से खाना बनाया, टिफिन तैयार कर लिया, बोले बना ली, तैयार कर ली, बताइए मेरे सरकार कहाँ ले जाना है। मेरे सरताज बोलिए, बोले कि समंदर के किनारे जाओ, ठहर जाओ, समंदर को बोलो ऐ समंदर मुझे रास्ता दे दे, मुझे उस शख्स के पास जाना है जो आज तक खाना नहीं खाया। कहना था समंदर में रास्ता बन गया। वो चलने लगी, जाते जाते भी समंदर में देखी कि एक बुजुर्ग बैठे हैं, इबादत में मसरूफ है। उनके पास पहुंची और वो टिफिन दी, कहने लगी कि फुलां साहब ने भिजाया, बुजुर्ग बैठे खाना खा लिए। अब टिफिन लेके वापस पलटी तो फिर समंदर बंद रास्ता बंद। पलट के पूछती है कि हजरत क्या बात है, अब जाऊँ कैसे। बोले समंदर से बोलो, क्या समंदर मुझे उस शख्स के पास जाना है जिसने आज तक अपनी बीवी से ख्वाहिश पूरी नहीं की। पलट के उसने यही बात समंदर से कह दी, समंदर रास्ता दे दिया। हैरानी का आलम था। पलट के घर आई, औरतों का मिजाज थोड़ा तेज होता, बोले बड़े भैया क्या बात है, वो उनके पास ले गए टिफिन तो वो तो बैठ के खा गए, और आपका मामला ये है कि मेरे साथ रहते भी हैं, औलाद भी है, वो आपके बारे में कहते कि आपने अपने औरत के साथ कभी ख्वाहिश पूरी नहीं की, आप उनके बारे में कहते कि वो कभी खाना नहीं खाए, मेरे दिमाग में तो ये बात नहीं होती। तो कहने लगी है दीवानी सुन, कहने लगी है अल्लाह वाले तो सुन। हाजरीन मुहतरम बड़ा अजीब वाकया है इसमें, आप देखिए रब ने अपने बंदों के लिए क्या किया। तो कहने लगे मेरी बात सुन, वो शख्स जिसके पास तूने टिफिन लेकर गया था, वो शख्स जिसको तूने खाना खिलाया है, वो शख्स आज तक कभी भी अपनी भूख मिटाने खाना नहीं खाया, अपने शौक के लिए खाना नहीं खाया, जब भी खाना खाता तो ये सोच के खाता, खाना इसलिए खा रहा हूँ इससे जो ताकत मिलेगी परवरदिगार तेरी इबादत करूंगा, मालिक तुझे सजदा करूंगा, मालिक तेरे लिए नमाज पढ़ूंगा, मालिक तेरे दीन के दावत का काम करूंगा, लोगों को तेरी बारगाह की तरफ बुलाऊंगा, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाऊंगा, लोगों को दीन सिखाऊंगा। उसकी नीयत ये है तो वह जब जब खाना खाता है परवरदिगार फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों मेरे ये बंदे के खाने को खाना नहीं लिखना, इबादत लिखना है। और वैसे ही मैं जब भी तेरे पास आता हूं अपनी शौक के लिए या ख्वाहिश के लिए नहीं, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत की कसरत होगी तो कियामत में मैं कसरत उम्मत पे फख्र महसूस करूंगा, तो औलाद होगी तो मेरे नबी को खुशी होगी, औलाद होगी तो दीन का दाई पैदा होगा, औलाद होगी तो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाला होगा। तो ये नीयत से मैं तेरे पास आया तो खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ये अपनी औरत के पास तो जा रहा है लेकिन अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं जाता, इसलिए जाता कि मेरे बंदे ज्यादा हो, मेरे हबीब की उम्मत ज्यादा हो, मेरे दीन की तरफ बुलाना हो, इसके इस अमल को भी इबादत लिख दो, कुर्बान जाओ इस दीन पर। कौन सा अमल चाहिए, खाने का अमल, मैं तो मेरी लज्जत के लिए खा रहा हूं, नियत सिर्फ रब की कर दिया, खाना भी इबादत बन गया, मैं मेरी नफ्स की ख्वाहिश के लिए अपनी औरत के साथ हूँ लेकिन नियत खुदा से जोड़ दिया, खुदा ने उसको इबादत लिख दिया। अरे इस्लाम तो वो मजहब है, मजा तुम्हारा है, खुदा इबादत लिख रहा है, पेट मैं भर रहा हूँ, खुदा इबादत लिख रहा है, औलाद को लिबास पहना रहा हूँ, मार्केट में लोग देख के बोले क्या अच्छा लिबास है, लेकिन मेरी नियत है कि खुदा ने हुक्म दिया था औलाद की अच्छी परवरिश करो तो वो भी इबादत है, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था अच्छी तालीम दिलाओ वो भी इबादत है। गर्ज ये कि सुबह उठने से लेके शाम सोने तक बंदा इबादत ही इबादत के अंदर है, और यही विलायत है, यही अल्लाह वाल है। सुबह से शाम तक अपने हर अमल को रब से जोड़ दो, अपने हर काम को रब से जोड़ दो, आप भी खुदा के, और क्या फरमाया
अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह हर ईमान वाले का दोस्त है, हर ईमान वाला अल्लाह का वली है। कब? जब उसका सुबह ऐसी हो, उसकी शाम ऐसी हो, उसका चलना ऐसा हो, उसका फिरना ऐसा हो। अजीज़ाने गिरामी, ये इंकलाब का महीना है, आका की आमद इंकलाब के लिए हुई है। हमारी जिंदगियों में कईयों मिलाद आए चले गए, आज के इस मिलाद के मौके पर इस महीने से इस साल से हम में का हर एक आज़म कर ले, ये इरादा कर ले, ये सोच ले कि ये मिलाद इंकलाब का मिलाद होगा। मेरी जिंदगी में इंकलाब, मेरे घर में इंकलाब, मेरे महल्ले में इंकलाब, मेरे शहर में इंकलाब, मैं अपने आप में इंकलाब बपा करके रहूंगा, तब्दीली ला के रहूंगा, ये आप आज़म कर ले। और याद रखें, अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को वो मकाम अता फरमाया, हुजूर को सारी कायनात का इमाम बनाया, हुजूर को सारी कायनात का इमाम बनाया, हुजूर की उम्मत को सारी उम्मतों का इमाम बनाया। हम इमाम हैं, इमाम कहाँ होता है? इमाम कहाँ होता है बोलिए? सबसे आगे होता है। लेकिन आज हम कहाँ हैं? सबसे पीछे। क्यों? हमारे सिफात आगे रहने की नहीं है, हमारे किरदार आगे रहने के नहीं है, हमारे आमाल आगे रहने के नहीं है, इसलिए हम पीछे हो गए। लेकिन आज भी वक्त है, आज भी वक्त है। क्या फरमाया? आज भी हो जो इब्राहिम से इमाम पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुज़िश्ता पैदा। अभी वक्त गया नहीं। याद रखिए, दो दिन भी अगर हमारे ज़िंदगी के बाकी है, पता नहीं हमारी ज़िंदगी कितनी बाकी है। मैं ये लफ्ज़ कहने से पहले हो सकता मेरी रूह परवाज़ हो जाए, हो सकता मैं यहाँ उठने से पहले पहले ख़त्म हो जाऊँ। अंदाज़ा नहीं है कि कितना वक्त किसका लिखा हुआ है, लेकिन जितना अभी वक्त बाकी है उतना वक्त काफ़ी है, जितना भी वक्त बाकी है उतना वक्त काफ़ी है इंकलाब लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए, अपने आप में चेंज लाने के लिए। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लामा इक़बाल का एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, बरह नसर है तू, बरह नसर है तू, अज़्मे बुलंद पैदा कर। बरह नसर का क्या मतलब है? नंगे सिर, नंगे सिर है तू। कौन? उम्मत मुहम्मदिया का एक एक फर्द, हर फर्द से अल्लामा इक़बाल पुकार के कह रहे हैं तू नंगे सर है। क्या मतलब है नंगे सिर? टोपी पहना हुआ नहीं है, बोलना चाह रहे हैं नहीं, फरमा रहे हैं कि ऐ उम्मत ये मुहम्मदिया के फर्द, समझ रब ने तेरे सर पर इमामत का ताज रखा था, बादशाहत का ताज रखा था, कायद का ताज रखा था। तू कायद है, तू इमाम है, तू बादशाह है, तेरे सर पे एक ताज था, तेरे आमाल की वजह से वो ताज चला गया, अब तू नंगे सर हो गया। फरमाया बरहना सर है तू, अज़्मे बुलंद पैदा कर। एक शेर में दो बातें अल्लामा इक़बाल ने फरमाया, एक बात फरमा रहे हैं तेरा ताज चला गया, दूसरी बात में फरमा रहे लोगों ताज गया लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि फिर वो ताज वाला कोई और दुनिया में आ नहीं सकता, वो ताज तेरा है, तेरी मिल्कियत है, तेरी जागीर है, वो मिलेगा तो तुझे मिलेगा, तू सिर्फ उसके काबिल बन। बरह नसर है तू, अज़्मे बुलंद पैदा कर, यहाँ सिर्फ सरे शाही के लिए है कुला। फरमाया ये ताज शाही परिंदे के लिए है, वो शाही परिंदा कौन है? फरमाया वो उम्मत मुहम्मदिया का एक एक नौजवान है जिसकी उड़ान बहुत ऊंची है, नीचे से अर्श मुअल्ला तक है, वो उड़ता है तो लेके उड़ता है। तो फरमाया तेरा ताज लटक रहा है, इंतजार कर रहा है, अल्लाह ने तुझे ताजे बादशाहत अता किया था, ताजे इमामत अता किया था, ताजे कियादत अता किया था, वो ताज तेरे सर से तो गया, क्यों? कि तूने अपना मकाम भूल गया, अपने किरदार से हाथ धो लिया, इसलिए वो ताज लटक रहा है। लेकिन ये भी फरमा दिया कियामत तक वो ताज कोई और अपने सर पे ला नहीं सकता, क्योंकि ये ताज तेरी जागीर है, तेरा है, मिलना है तो तुझे मिलेगा। अब अज़्मे बुलंद पैदा कर, खड़े हो जा, इंकलाब ला ले, अपनी जिंदगी में तब्दीली ला ले, वो बादशाहत का ताज तेरे सर पे आ जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आज जरूरत इस बात की है कि अपने मकाम को पहचाने। हमारा कियादत का ताज, हमारा इमामत का ताज, हमारी बादशाहत का ताज हमारा इंतजार कर रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि मैं अपनी हिफाजत करूं, आप अपनी हिफाजत करें। मैं अपनी औलाद की हिफाजत करूं, आप अपनी औलाद की हिफाजत करें। मैं अपने घर को नबी के दीन का गहवारा बना दूं, आप अपने घर को नबी के दीन का गहवारा बना दें। मैं मेरे महल्ले में दीन का गहवारा बनाऊं, आप अपने महल्ले को दीन का गहवारा बना दें। याद रखिए, मैं जैसे अर्ज किया, दुनिया में हजारों उम्मतें हैं, कोई भी उम्मत के पास नजात का परवाना नहीं है। मेरे भाइयों, गौर से सुन ले मेरी बात, हजारों उम्मतें हैं, किसी के पास नजात का, कामयाबी का, जन्नत का परवाना नहीं है। अगर जन्नत का परवाना है, हमारे पास है, उम्मते मुहम्मदिया के पास है। सारी दुनिया को नजात दहिंदे हम बन के आए हैं, नजात वाले बन से बन के हम आए हैं, नजात दिलाने वाले हम बन के आए हैं। तो आज आप, मैं, हम में का एक एक यहां से कैसे होना चाहिए कि हमारा मामला रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बशीरा वन सिराजम मुनीरा, वो रोशन चराग है। फरमाया जब एक चराग रोशन होता है, उसके पास दूसरा जब छोटा सा चिराग आता है, वहां झुक के वो भी मुनव्वर होता है। जब वो मुनव्वर होता है तो अपनी जगह जाके वहां मुनव्वर करता है। हम सिराजम मुनीर की उम्मत है, वो रोशन चिराग की उम्मत है। उस रोशन चिराग से रोशनी लेके मुझे भी एक चिराग बनना है, आपको भी एक चिराग बनना है, मेरे बेटे को भी चिराग बनना है, आपके बेटे को भी चिराग बनना है, मेरी बेटी को भी चिराग बनना है, आपकी बेटी को भी चिराग बनना है, मेरी बीवी को चिराग बनना है, आपकी बीवी को बनना है, मेरे तमाम घर वालों को बनना है, आपके तमाम घर वालों को बनना है। क्यों? कि ये दुनिया में कुफ्र का अंधेरा है, जहालत का अंधेरा है, बदतमीजियों का अंधेरा है, जुल्म का अंधेरा है, मारपीटी का अंधेरा है, सूद का अंधेरा है। ये सब मिटेगा, उस वक्त मिटेगा जब हम चराग बनेंगे, आप चराग बनेंगे, मैं चराग बनूंगा, मेरी घरवाली चराग बनेगी, मेरा बेटा चराग बनेगा, आपकी बेटी चराग बनेगी, हम सब चराग बनेंगे। तो ये दुनिया का अंधेरा छट जाएगा, यहाँ के तमाम जुल्मतें छट जाएगी और नूर ही नूर होगा और चमकेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजिरीन मोहतरम, असल बात यह है, हम ये समझे हैं कि दीन शमले वालों की जिम्मेदारी है, दीन दाढ़ी वालों की जिम्मेदारी है, दीन हुफ्फाज़ उलमा की जिम्मेदारी है, दीन मस्जिद के इमाम नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। और चिराग सिर्फ मौलाना बन सकते नहीं, आप भी बन सकते, हर एक बन सकता, बल्कि बन सकता नहीं, बनना चाहिए हर एक को। रब ने फरमाया, अरे कलमा सिर्फ मुसलमान मौलाना नहीं, हर एक के दिल में कलमे की ताकत है। और अल्लाह से पूछा गया, कहाँ है? तो बोले टूटे हुए दिल में हूँ। किसके दिल में? फरमाया सिर्फ मौलाना के, इमाम के, आलिम के, हाफिज के नहीं, उम्मत के हर फर्द के दिल में, हर ईमान वाले के दिल में खुदा जलवा अफरोज है, उसका नूर है, उसके ईमान की ताकत है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को पहचाने और उसको रोशन करें, उसको मुझे राजा बुनियाद बना दें। सुभान अल्लाह, सुभान। हाजरीन मोहतरम, आखिरी एक अल्लामा इकबाल का शेर अर्ज करके बात को खत्म करता हूं। आपको यह बात समझ में आ गई, रब ने हम में से हर एक को रसूल रहमत का उम्मती, ऐसा उम्मती जो दीन को दूसरे तक पहुंचाए, ऐसा उम्मती जो रसूल के पैगाम को दूसरे तक पहुंचाए, ऐसा उम्मती जो शरीयत दूसरों तक पहुंचाए, ऐसा बना के भिजाया है। हमारी जिम्मेदारी है हम सीखें, कुरान सीखें, शरीयत सीखें, तरीक़ा सीखें, इस्लाम की जिम्मेदारियों को सीखें, ये सब चीज़ों को सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ सीख लें, इसके लिए अल्लामा इकबाल एक शेर फरमाते हैं, वैसे कई अशार है, वक्त नहीं है आपको सदारती खिताब सुनना है, मैं एक शेर पे अपनी बात करूँगा।
यही उम्मत को उठाने के लिए। जैसा एक जगह फरमाया, बरह असर है तू आज़म बुलंद पैदा कर। एक और एक शेर अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी। खुदी यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी अपनी इज्जत। हमारे नौजवान बोलते हैं मेरे को बोला भाई को बोला, ये भाई जो है ना ये बहुत अहम है, हमने इस भाई को सिर्फ महल्ले की दादागिरी तक इस्तेमाल किया है। अरे भाई इस भाई को सिर्फ हमने पान डब्बे तक इस्तेमाल किया है। अरे भाई की जो भाईपन है उसको हमने गुटखे और सिगरेट तक इस्तेमाल किया है। अल्लाह फरमाता यकीनन तू भाई है, तू खुदी है तेरे अंदर, तू वो भाई है जो ठहर गया तो हजारों कुफार को जन्नत में ले जाएगा, हजारों निगड़े हुओं को सुधार देगा। तू खैर हो जा, तू भाई बन जा, तू भाई बना हुआ है। कह में जगलीपन में गालियों में बदतमीजी में अगर तू रब की बारगाह में भाई बन जाए तो अल्लाह इक़बाल फरमाते हैं क्या, खुदी गाफिल न हो खुदी से कर अपनी पासबानी। अरे तेरे में वो आग है, तेरे में वो शोला है, तेरे में वो भाईपन है, तेरे में वो मकाम है, कर अपनी पासबानी यानी अपने आप की हिफाजत कर। कैसी गुनाहों से हिफाजत कर, झूठ से हिफाजत कर, बदनिगाही से हिफाजत कर। गुनाह कर लिया आधा दम खत्म हो गया, झूठ बोला आधी ताकत चले गई, खराब काम कर लिया आधी ताकत चले गई, अब कमजोर पड़ता जाता। अल्लाह इक़बाल फरमाते गाफिल न हो खुदी से, अपने आप से कभी भी गाफिल मत हो, अपना कॉन्सेंट्रेशन अपनी जात से मत हटा, कर अपनी पासबानी, इतने अपने आप की हिफाजत कर शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। यानी तू वो है आस्ताना, किसको बोलते फुला हजरत का आस्ताना, वहां से जाओ हजारों फैजियाब हो रहे हैं। तो फरमाया अरे तुम में का हर एक आस्ताना बन सकते हो फैज का, फैज की शमा बन सकते हो, तुमसे फैज निकलेगा, तुम में का हर एक उस मकाम पे पहुंच सकता है। फरमाया गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, गफलत मत कर नमाजी बन, झूठ मत बोल, धोखा मत बने भी धोखा मत दे, गीबत मत कर हराम मत खा, जब अपनी हिफाजत करेगा शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। तू जहां ठहरेगा लोग तुझे देख के कलमा पढ़ेंगे, तुझे देख के तौबा करेंगे, तेरे चेहरे को देखेंगे तो ईमान लाएंगे। फरमाया इज़ा रूज़िकर अल्लाह, अल्लाह वाला वो होता है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, उम्मती वो होता है जिसे देखो तो नबी याद आ जाए। ये इंकलाब का महीना है, पैगंबर इंकलाब आए, हम उम्मते इंकलाब है। लाजिम है आज अहद करके उठे, अपने आप में वादा करके उठे, किसी से वादा मत करो, अपनी जात से वादा करो। ठान लो दोस्त की शादी में मरफा और फूल का हार ले जाना है, लोग मना कर रहे हैं, दूल्हे का बाप रुका रहा है, दुल्हन का बाप रुका रहा है, रिश्तेदार रुका रहे हैं, सब मिल के गए, अंकल अंकल एक घंटे की बात है, परमिशन दे दीजिए, शादी बार बार तो नहीं आती, हम सब मिल के लाना चाह रहे हैं। बाप को मना लिए, ससुराल वाले रुके उनको मना लिया, पुलिस से परमिशन ला लिया, क्यों, हम इरादा करे थे कि बैंड भी होना हार भी होना, दुनिया को झुका दिया, अपना काम पूरा कर लिया। अल्लाह फरमाता है अपने आप में इरादा कर, अज़्म कर, खड़े हो जा इस्लाम के लिए, खड़े हो जा रसूल के लिए, खड़े हो जा। दुनिया तुझे झुका नहीं सकती, तेरा शैतान तुझे झुका नहीं सकता, तेरा नफ्स तुझे झुका नहीं सकता, क्यों, कि जब तू खुदा के लिए खड़ा होता खुदा तेरे साथ होता है, उसकी नुसरत तुझे मिलती है और तुझे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। आज हमको खड़े होना है, तैयार होना है। अज़्म की आग से पत्थर भी पिघल जाते हैं, अज़्म की आग से पत्थर भी पिघल जाते हैं, गर्म न हो अज़्म तो मोम भी है पत्थर की तरह। अगर हमारे पास इरादा नहीं है, बहाने बहुत होते हैं, मोम भी हमारे हाथ से नहीं पिघलेगा, क्योंकि पिघलाने की हमारे पास ना इरादा है ना नीयत है। तो सुधर ले, अज़्म इख्तियार कर ले, नीयत कर ले कि ये इंकलाब के महीने से जिंदगियों में, घर में, महल्ले में, शहर में, मुल्क में, कायनात में हम इंकलाब लाएंगे। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।